इंतजार हम कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों के पश्चात वो घड़ी, वो अनहद नाद, वो आध्यात्म का बीज आपके सम्मुख प्रस्फुटित होगा। परंतु इन क्षणों का आनंद भी हम सकारात्मक चिंतन से लेते हैं। बहुत अच्छा, आज का विषय जिसे हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जी, शिव की वाणी, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, इस विषय पर आपको बहुत गहराई में ले जाएंगे। लेकिन सभी का मूल आधार श्रेष्ठ विचारों का चिंतन। किसी ने क्या खूब कहा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद निकल आएंगे। तो स्वयं की विचारधारा का परिवर्तन। हम सभी जीवन में खुशी प्राप्त करना चाहते हैं और इस खुशी की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार के साधनों को अपना रहे हैं। लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो प्रायः ये जवाब मिलता है, ठीक है, चल रही है गाड़ी जिंदगी की। बहुत कम होंगे ऐसे जो ये कहते हों कि बहुत अच्छे से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कम लोग। कहां चली गई वो खुशी, कहां चला गया वो आनंद? आज मानव का मूलभूत गुण आनंद और खुशी, और इसी की खोज में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको हम भूल गए हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो सकारात्मक चिंतन दिया जाता है, उसके आधार पर हमने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत तय किए और ऐसा अनुभव हुआ कि उन सिद्धांतों पर चलकर और प्रैक्टिकल जब अपने जीवन में हमने उसको एडॉप्ट किया बहुत सहज रीति से, तो हमें ये अनुभव हुआ कि हमारा जीवन खुशनुमा बन गया। आज देखिए, आप सकारात्मक चिंतन की दिशा के लिए यहां पर आए हैं, और आपको जब आप शिवानी दीदी के मुख से उन विचारों को सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बह रहे हैं उसमें। और वाकई में अगर इन बातों को हम अपने जीवन के अंदर ले आए तो जीवन कितना खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन गहरी बात कि जंगल को उगाने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर एक गार्डन को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए मेहनत है। नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं। और अगर पॉजिटिव थिंकिंग को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है। आज की सभा विशेष रूप से डॉक्टर्स की सभा या जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनकी सभा है। और देखिए, डॉक्टर्स भी या साइंस भी इस बात को प्रमाणित करता है, डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि 90% बीमारियों के पीछे जो कारण है वो है नकारात्मक चिंतन। आप सभी जानते हैं कि जब हम नकारात्मक या व्यर्थ चिंतन में रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर बीटा प्लस तरंगे चलती हैं, और जब बीटा प्लस तरंगे चलती हैं तो एक मिनट के अंदर हम
40-45 या इससे भी अधिक थॉट ले लेते हैं। तो दौड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, चलना हमारा स्वभाव है। और यदि हम लगातार दौड़ते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में थक जाते हैं तो हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं कि ये बीमारियां हमारे शरीर में स्थान बना सकती हैं, परमानेंट। डॉक्टर्स दवाइयां लिख करके देते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज दवा के साथ साथ दया और दुआ की भी आवश्यकता है। और यदि किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट दया, दुआ और दवा तीनों को मिला करके किया जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। आप मानते हैं ऐसा? क्योंकि विचारों का चिंतन ही उसे परेशान कर रहा है। तो जो मैं बात पहले कह रही थी खुशी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दृष्टांत जो आपके साथ बांटना चाहूंगी। चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा, सुना है सभी ने? क्या करते थे वो? हंसाया करते थे। लेकिन उनके जीवन की एक घटना शायद बहुत कम लोगों को पता हो। एक बार जब उनका बच्चों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, सुबह के समय में उनके खुद के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। छोटी मोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। हमारे जीवन में कोई छोटी सी भी बात आ जाती है और हमें कोई कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं तुमको पता नहीं अभी मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है। उनके जीवन में भी ऐसी घटना और वो भी खुद के बच्चे की मृत्यु। कुछ बच्चे उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अंकल जी आपको चलना पड़ेगा, हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत बच्चे इकट्ठे होंगे, अंकल जी आपको चलना पड़ेगा। उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई कि एक बच्चे के लिए रोऊं या लाखों बच्चों को हंसाऊं, और वो गए और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। बच्चों ने बहुत तालियां बजाई। केवल 2-3 बच्चों को ही पता था कि इनके खुद के बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने दूसरे दिन अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। आज देखिए खुश रह करके खुशी बांटी। हम कहेंगे हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, हम खुश कैसे रहें? मतलब कई बार ये भी कहा जाता है कि सामने वाला ऐसा करता है ना, वैसे तो मैं बहुत खुश रहती हूं लेकिन इसके कारण मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, हमने स्वयं के हाथ में नहीं रखा है। तो आज हम कह सकते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और इसको पुनः चार्ज करना है तो चार्जर में रखना पड़ेगा। जैसे रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, जब वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो उसको फिर से ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए हम चार्जर में रख देते हैं। यानी उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। उसी प्रकार आज हम भी टोटली डिस्चार्ज हो गए। कैसे पता चला? क्योंकि हमारी सोच बदल गई, हमारे बोल बदल गए, हमारे कर्म बदल गए, यानी हम टोटली डिस्चार्ज हैं। और चार्ज करना है तो चार्जर में रखना पड़ेगा और चार्जर है मेडिटेशन। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 20 मिनट का मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को या नींद को पूरी कर देता है और 5 मिनट का बॉइलिंग टेंपर पर गुस्सा
हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। तो सोचिए कई बार हम कितने समय तक क्रोध के हाई टेंपर पे रहते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी लॉस होती होगी। मैं जानती हूं आप सभी शिवानी बहन को सुनने के लिए आए हैं, उस घड़ी का हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है अतिथि देवो भव, हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है और कुछ ही देर में आप अपने सम्मुख उस महान हस्ती को, महान विभूति को, जो परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ी है, आप उस हस्ती को देख पाएंगे और किस प्रकार उन्होंने इस महत्व को समझा कि जीवन का बही खाता क्या है, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ क्या है, इसको समझकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर वो निकल पड़े। अनेकों के दीप जलाने के लिए, अनेकों की दुनिया रोशन करने के लिए, गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ जीवन को हम कैसे बहुत अच्छे से जी पाए, ये कला आपको सिखाने के लिए। और आज वो गंगा ऐसे बह रही है, ऐसी बह रही है कि निरंतर बहकर हर आत्मा के अंतर मन को एक दिशा दिखा रही है, साफ कर रही है। आज ईश्वर के आगे जाकर के हम ये भजन गाते थे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। कौन सी चादर मैली हो गई, कौन से कर्म का खाता गड़बड़ हो गया, जिस कारण जो मेरा पिता है परमात्मा उसके साथ नैन मिलाने में, उसके साथ का अनुभव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कहीं इस मेले में, इस भीड़ में हम खो तो नहीं गए कि स्वयं के लिए ही फुर्सत नहीं। हर चीज है लोगों के दामन में पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में अपने लिए ही वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में है पर रिश्ते निभाने का भी वक्त नहीं। कैसे निभेंगे ये रिश्ते और कैसे कर्मों का खाता श्रेष्ठ बनेगा और हम उस कार्मिक अकाउंट को बहुत अच्छी रीति समझकर अपने इस जीवन की यात्रा को एक श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि रूह और जिस्म का अजीब इत्तफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। आत्मा और शरीर दोनों का घनिष्ठ संबंध, लेकिन जीवन पर्यंत आत्मा शरीर को और शरीर आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता और हमारा पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो इस बात को बहुत बहुत गहराई से हमें समझना होगा। एक दृष्टांत प्राय मैं हर जगह दिया करती हूं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। तब तक शायद हमारे अतिथि पहुंच जाए और हम सही समय पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर पाए, क्योंकि जीवन में समय का बहुत महत्व है और हम इस रहस्य को समझते हैं। और हमने अपने बड़ों से, हमने अभी अपनी शिवानी दीदी जी से ही सीखा कि किस प्रकार हमें भी समय प्रबंधन का ख्याल रखना चाहिए। तो जो दृष्टांत बता रही थी उसको बताकर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर पाए। मैं जब एक स्कूल में कार्यरत थी तो वहां पर मैंने बच्चों को एक प्रश्न दिया था कि वर्तमान समय आपको कौन सी हस्ती बहुत अच्छी लगती है और क्यों लगती है। तो सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से उत्तर लिखे थे। किसी ने लिखा अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है,
मैं उसके जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ। किसी ने लिखा सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके जैसा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ। किसी ने लता मंगेशकर का नाम लिखा, किसी ने अब्दुल कलाम जी का नाम लिखा, लेकिन एक बच्चे ने जो नाम लिखा था उसको पढ़ करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे ने लिखा था कि मुझे ओस्मा बिन लादेन बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं उसका फोटो टीवी में देखता हूँ या पेपर में देखता हूँ तो उसके अंदर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। फिर उस बच्चे ने लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही उसे किसी का प्रेम नहीं मिला होगा, टीचर्स का या माता पिता का, इसीलिए वो इतना बड़ा आतंकवादी बन गया जो अमेरिका जैसे देश पर भी वार करने की हिम्मत रखता है। लेकिन उस बच्चे ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही उसे किसी का प्रेम नहीं मिला होगा, इसीलिए वो इतना बड़ा आतंकवादी बना। लेकिन लास्ट के जो उसकी लाइन थी उस बच्चे की कि अगर उसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले जाया जाए तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा, हा? तो वो बात उसने क्यों लिखी? क्योंकि वो देख रहा था दीदियों को, बहनों को, और हमारी महान विभूति शिवानी दीदी जी को वो महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने ये बात लिखी थी। तो हर के जीवन में वो प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन जब नकारात्मक दिशा मिल जाती है तो उस्मा बिन लादेन बन जाते हैं, हिटलर बन जाते हैं। लेकिन जब सकारात्मक दिशा बन जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद या हमारी शिवानी बहने जैसे, कई और बहनों जैसे हमारा व्यक्तित्व हो जाता है, हमारे दादियों जैसे। आज जिन्होंने 1937 से तपस्या करके ऐसी महान विभूतियों को भी तैयार किया, तो आप सभी भी आज उसी विचारों की चिंतन में बहने के लिए आए हैं। केवल बहना नहीं है, लेकिन उन विचारों को अपने जीवन के अंदर हम कैसे एडॉप्ट कर लें, गहराई में ले जाएं, तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी करके तो देखिए कितना आनंद आता है। तो मैं उर्मिला दीदी से पूछना चाहती हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत आगे बढ़ाऊं कार्यक्रम को कि कुछ देर रुकना? कुछ ही पल, कुछ पलों का और इंतजार, क्योंकि अगर कुछ कर, जितना इंतजार होता है उतनी वो चीज और भी मीठी लगती है, प्यारी लगती है। मुझे कहा जा रहा है कि 5 मिनट और, आप सभी सुन रहे हैं, 5 मिनट और कुछ समय के पश्चात फिर आप उस विहंगम दृश्य को अपने सम्मुख देख पाएंगे। बहुत ही प्यार भरा, आनंद भरा, खुशियों भरा वो दृश्य होगा कि जिन्हें आप टीवी में आज तक देख रहे थे, आज वो आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और इस हॉल में आप वो वाइब्रेशन महसूस कर पाएंगे। तो लीजिए, वो बेला आ रही है, वो बेला आ रही है जिस पल का हमें इंतजार था, इंतजार था। एक बार जोरदार आने से ही पहले तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपके आने के पहले वो ज्योति पधार चुकी थी हमारे बीच में। तो आदरणीय शिवानी दीदी जी का जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत। साथ साथ हमारी अति स्नेही हेमा दीदी जी का, जो इंदौर से खास इस कार्यक्रम में पधारी हैं, और हमारे अतिथि भ्राता महेश विजय जी।
मेयर भ्राता रवि कुमार सुरपुर कलेक्टर आदरणीय भ्राता ओम महेश्वरी जी कैरियर पॉइंट के ओनर जिनका भी मैंने नाम लिया उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भ्राता रवि कुमार सुरपुर जी कलेक्टर कोटा भ्राता महेश विजय जी मेयर भ्राता ओम महेश्वरी कैरियर पॉइंट के ओनर और खास उर्मिला दीदी कोटा क्षेत्र की पूरी संचालिका उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर की आराधना से करते हैं। कोटा में सेवा का प्रारंभ करने वाली हमारी अति स्नेही दीदी निर्मला दीदी जी से भी अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम तभी सफल होता है जब हम परमात्मा प्रेम से परमात्मा के आवाहन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो हम सभी अभी 3 मिनट परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठेंगे। भ्राता ओम महेश्वरी जी से अनुरोध है मेरा कि वो मंच पर उपस्थित हो। बहनों से अनुरोध है कि साथ में लेके आए। परमात्मा की प्यार भरी स्मृति और परम पिता परमात्मा का इस सभा के बीच में स्वागत। इसके पश्चात मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय अतिथियों का बैच एवं गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कोटा शहर में पहली बार हमारी शिवानी दीदी जी का आगमन,
पुष्प गुच्छ मात्र औपचारिकता तो है, लेकिन हृदय के तार तार से, शब्दों के माध्यम से मैं स्वागत कर भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन हृदय में भावनाओं को लिए हुए हम सभी कोटा शहर के वासी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियां बजाते रहे गीत के द्वारा। खुशी है इतनी आज की हमको पाव न धरती पे आए, स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे। ओ खुशी है इतनी आज की हमको पाव न धरती पे आए। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे। तालियां बजाएं, खुशी है ताली बजाने में कंजूसी न करें, हमको पॉइंट्स कर देंगे। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे। ओ खुशी है इतनी आज की हमको पाओ न धरती पे आए। बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी मैं आपको जिस सभा में आप उपस्थित हैं और जिस परिवार के द्वारा हम इसे परिवार कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार, इसका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। वात्सल्य का सागर एवं नारी शक्ति का कोई अद्भुत और प्रत्यक्ष प्रमाण है तो वो एकमात्र संस्था परिवार ब्रह्मा कुमारी, जिसका उद्देश्य ही है मानव कल्याण। ये संस्था है जहां नारी सशक्तिकरण का स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मानवीय मूल्यों की स्थापना में प्रयासरत है और ऐसी संस्था है जो अध्यात्म का प्रकाश 138 देशों में 9000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से फैला रही है और इसका उद्देश्य यही है कि मानवीय सशक्तिकरण के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी किया जाए। और इस विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी हैं और खुशी की बात बताने जा रही हूँ कि इस जनवरी में वो 100 साल की पूरी हो जाएंगे और अध्यात्म की ऐसी ज्योति, ऐसी महापुंज जो पूरे 9000 सेवा केंद्रों का संचालन इस उम्र में भी बहुत कुशलता पूर्वक कर रही है। लेकिन जिस ज्योति ने इस परिवार को ऐसा दृढ़ बनाया, सशक्त बनाया, वो है एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो वही परमपिता परमात्मा जिसने ऐसा विशाल वटवृक्ष तैयार किया। तो अभी मैं
कोटा क्षेत्र की संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उर्मिला दीदी से अनुरोध करती हूँ कि शब्द सुमनों के माध्यम से हमारी आदरणीय दीदियों का और अतिथियों का और सभा में उपस्थित हमारे अति स्नेही भाई बहनों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ओम शांति। एक बार आपसे अनुरोध है कि आप सभी इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ उस निराकार परमपिता परमात्मा का इस महफिल में, जिसने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया है। वो हम सभी को देख रहा है लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। इस महफिल में वो उपस्थित है, ऐसे उस परमात्मा का तहे दिल से आज के सभा में बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच में जो हमारी मीठी प्यारी शिवानी बहन है, जिनका हमको बहुत दिनों से इंतजार था। अति व्यस्ततम समय में आज उन्होंने थोड़ा सा समय हम सभी कोटा निवासी भाई बहनों को दिया। समय उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी हमारे भाई बहनों को लाभान्वित करने के लिए आज का दिन जो उन्होंने दिया है, तो आप सभी की तरफ से मैं तहे दिल से अपनी तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ में आज हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी मीठी प्यारी हेमलता दीदी जी, जिनकी ही प्रेरणा से और जिनके गाइडेंस से इतना बड़ा कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है। आप दीदी बहुत अच्छा हम सभी बहनों की पालना करती हैं और सारे उनके ही गाइडेंस से सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसी हमारी मीठी प्यारी हेमलता दीदी जी का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप इंदौर की चीफ जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने भी समय निकाल करके हमारे कोटा निवासी भाई बहनों को आपने समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ हमारे ओम माहेश्वरी जी, आप तो हमारे फैमिली के ही हैं, बहुत अच्छे आप शुरू से ही यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कराए हुए हैं ऑडिटोरियम में और बहुत सहज कॉपरेट करते हैं और आपने भी अपना समय निकाला हमारे लिए, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ आप सभी जिसके बिना तो महफिल ही की शोभा ही नहीं है, आप सभी पधारे, अपना अमूल्य समय दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी यहाँ से बहुत भरपूर होकर के जाएंगे, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कलेक्टर साहब आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, उनका भी मैं यहाँ पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। अभी हम सभी इसी विचारों की क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ विचारों के चिंतन से भारत को फिर से जगत गुरु का स्थान दिलाना है। तो इस भाव में एक गीत के माध्यम से हम जाएंगे, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति।
शब्द। बहुत ही सुंदर। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचन के लिए आदरणीय हेमा दीदी जी को, लेकिन इसके पहले हमारे बीच में हमारे कोटा के कलेक्टर आदरणीय भ्राता रवि कुमार सुरपुर जी सभा के बीच में पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। बहनों से भी अनुरोध है कि गुलदस्ते के द्वारा भ्राता जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता बीएल गुर्जर जी, प्रेसिडेंट आईएमए के, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गुर्जर जी, आदरणीय हेमा दीदी जी से अनुरोध, जो खास कोटा से, कोटा में आपके लिए इंदौर से पधारी है, और खास इंदौर जोन की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए यही कहती हूँ कि एक विदुषी नारी मुर्दों को जगा सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये देश है जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी गोद में खिला सकती है। आदरणीय हेमा दीदी जी। ओम शांति। आदरणीय मंच, सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, आज हमारे बीच आदरणीय शिवानी बहन उपस्थित है और आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ की बैलेंस शीट क्या है उसके बारे में बताएंगी। आप सभी जानते हैं कि जीवन जन्म और मृत्यु के बीच की एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में जब हम सफर करते हैं तो अनेक प्रकार के पड़ाव, बाधाएं, विघ्न, परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों के बीच हम इस यात्रा का आनंद लेते हैं या दुखी होते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। और क्योंकि यूं तो जीवन सभी जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, लेकिन एक घर बसा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, उनको पढ़ा लिखा कर लायक बना देना, सिर्फ इतना ही जीवन नहीं होता। जीवन ऐसा जिया जाए जो जीवन जीने के बाद जब हम शरीर छोड़ें तो लोग हमारे लिए दुआएं दें, बाद में भी जाने के बाद लोग हमारे गुणों का वर्णन करें, हमारी अच्छाइयों के बारे में कहें, न कि बददुआ दें या कोई हमारे बारे में ऐसा सोचे कि अच्छा हुआ चला गया। तो जीवन हमें कैसा जीना है और जीवन को कैसे बैलेंस करके चलना है, जीवन जीने का आधार या जीवन में सुख और दुख का आधार हमारे कर्म ही हैं, और कर्मों का लेखा जोखा हमारा पूरी यात्रा में क्या रहता है, और आपने अपना लेखा जोखा क्या बनाया है अभी तक की जीवन यात्रा में, आज आप उसको शिवानी बहन के द्वारा दिए हुए ज्ञान दर्पण में चेक करेंगे, आपका लेखा जोखा, आपकी बैलेंस शीट कैसी है, और उस आधार पर आप देखेंगे कि कर्मों का आधार जो विचार है उनको आप कैसे चेंज करेंगे और अपनी बैलेंस शीट को बैलेंस कैसे करेंगे और अपने जीवन में फिर से सच्ची खुशी, शांति, आनंद और शक्ति से कैसे भरपूर होंगे, जो ये यात्रा आपको एक खेल लगे, आनंददायक महसूस हो, न कि गम का पहाड़ लगे। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी जी।
अध्यात्म की ज्योति जगेगी उसके पहले हम सभी मिलकर दीप प्रज्वलन के कार्य में शामिल होंगे। और बहनों से अनुरोध है कि हमारे आदरणीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन अर्थात आत्मा की ज्योति जगे, इस कार्य में अपना योगदान दे। दीप सदा जलता रहेगा, अंधेरा हाथ मलता रहेगा, आध्यात्मिकता की ज्योति जलती रहेगी। ज्ञान दीप अमर है, ज्ञान दीप अमर है, यही इस दीप प्रज्वलन का तात्पर्य है। सभी अतिथि गणों से अनुरोध कि आध्यात्म की ज्योति पूरे कोटा में फैले। बहुत ही सुंदर दीप जल उठे हैं, दीप जल उठे हैं अतिथियों के वरद हस्तों से। दीप जल उठे हैं अतिथियों के वरद हस्तों से। ताली बजा दीजिए आप सभी अपने महान हस्तों से, अपने महान हस्तों से। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में शुभकामनाएं देने हेतु भ्राता रवि कुमार जी कलेक्टर पधारे हैं। हम तो सभी शिवानी बहन को सुनेंगे, केवल एक एक मिनट, एक एक मिनट ये शुभकामनाएं हमें देंगे इस कार्यक्रम हेतु। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ भ्राता रवि कुमार सुरपुर जी कलेक्टर कोटा। अपनी ओर से तो मैं आभारी प्रकट करना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और ऐसा एक अवसर दिया जिसे मैं अपने जीवन के साथ साथ जिनका भी जीवन मेरे से जुड़ा हो उसमें बदलाव और उसमें जो भी अच्छाइयाँ ला सकता हूँ उसके लिए आज ये कार्यक्रम मेरे लिए प्रेरणा होगा। तो पुनः मैं आज इस कार्यक्रम में बिल्कुल ही अपने मन से इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। साथ में एक वाइफ भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मैं तो इस कार्यक्रम में एक प्रतिभागी के तौर पे बिल्कुल ही समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भ्राता जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता ओम महेश्वरी जी को, कैरियर पॉइंट के ओनर, वो भी अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम हेतु हमें देंगे। भ्राता ओम महेश्वरी जी, आज से जब लगभग एक महीने पहले मुझे पता चला कि दीदी कोटा आ रही हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने जब एमएल मीणा जी ने, जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना ये प्रोग्राम साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे स्ट्रेस में और तरह तरह की समस्याओं से, इसी टाइप की प्रॉब्लम से जब गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी समय लिमिटेड है और इतना सब कुछ इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने आज दीदी से बात करी कि हम जो रिकॉर्डिंग अभी हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, इसको बाद में हमारे सारे स्टूडेंट्स को दिखा दें, इस तरह का मैसेज हमारे सारे स्टूडेंट्स को भी मिल जाए और उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सफलता मिले, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मुझे तहे दिल से बहुत खुशी है कि आज हमारे इस करियर पॉइंट के ऑडिटोरियम में दीदी पधारी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता महेश्वरी जी का। मैं आदरणीय भ्राता बीएल गोचर जी से भी अनुरोध करती हूँ, प्रेसिडेंट आईएमए, आप भी एक मिनट में अपनी शुभकामनाएं दें हमें। आदरणीय सम्मानीय मंच,
समारोह पता रहे सभी अतिथिगण, मैं आईएमए की तरफ से और सभी चिकित्सकों की वजह से आप सबका स्वागत करता हूँ, और ब्रह्मा कुमारी ने जो हमें यहाँ पे बुलाया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए कितना अच्छा अनुशासन हमें लग रहा है। अभी मैं सभी हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि सबके दिल की इच्छा यहाँ पर हो रही है कि आदरणीय शिवानी दीदी जी का स्वागत हम भी पुष्प गुच्छों के द्वारा करें। लेकिन हमारे बीच जो सभा में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता रवि कुमार सुरपुर जी, भ्राता ओम महेश्वरी जी और भ्राता बीएल गोचर जी, सभी आप सभी की तरफ से अति स्नेही दिव्य विभूति शिवानी दीदी जी का स्वागत शॉल पुष्प गुच्छ और श्रीफल के द्वारा करें। आप सभी की तरफ से ये स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। आकाश पर दुनिया बसा ले सितारों तक बढ़े हम, आकाश पर दुनिया बसा ले सितारों तक बढ़े हम, कुछ असंभव नहीं इस धरा पर अगर कल्पना को मिले श्रम, कल्पना को मिले श्रम। सभी की तरफ से दिल से स्वागत अभिनंदन आदरणीय दीदी जी का। अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। ऐसी ऊर्जा, ऐसा बीज जो अध्यात्म का विशाल वट वृक्ष बन जाए और ऐसे पुष्प निकले जो पूरा वायुमंडल सुगंधित हो जाए। आज के शिवानी दीदी का न तो मैं उनके नाम की व्याख्या करूंगी न उनकी प्रशंसा करूंगी, मैं तो सिर्फ पुकारूंगी, तेल लगाऊंगी, मैं तो सिर्फ आवाज दूंगी, वैसे ही जैसे रेगिस्तान में प्यासा आदमी पानी की बूंद के लिए पुकारता है और वो बूंद उसका ईश्वर यहोवा उसका प्रभु बन जाती है। अनहद नाथ का जादू अपने में समेटे हुए आदरणीय शिवानी दीदी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। उसके पहले मैं अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि सभा के बीच में अपना स्थान ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दीदी जी के वाइब्रेशन आप महसूस कर पाएंगे। और सभा को एक बात बता देना चाहती हूँ कि माउंट आबू में मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा कॉन्फ्रेंस 22 से 26 जनवरी 2016 माइंड बॉडी एंड मेडिसिन डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए रखा गया है। इसमें आदरणीय शिवानी दीदी जी के 5 लेक्चर होंगे, तो जो भी माउंट आबू जाना चाहते हैं वो कोटा में हमारी बहनों से जरूर संपर्क करके, और कोटा से बहुत पास है माउंट आबू, और आदरणीय शिवानी दीदी जी के बहुत ही अच्छे अनुभव आप वहां पर सुन पाएंगे। और कल से राजयोग शिविर का प्रारंभ हो रहा है, प्रातः 7:30 से 8:30 और संध्या भी 7:30 से 8:30। जो विचार आज मिलेंगे उसकी श्रृंखला की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं माइक हैंडओवर करती हूँ आदरणीय शिवानी दीदी जी को, इसी भाव के साथ कि गा सकूं आपका नगमा वो सांच कहां से लाऊं, भा सके वो आपको वो अंदाज कहां से लाऊं। चांद सितारों की तारीफ तो आसान है मगर हो आपकी तारीफ, हो आपकी तारीफ दीदी, वो अल्फाज कहां से लाऊं, वो अल्फाज कहां से लाऊं। आदरणीय शिवानी दीदी जी, ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वो है ओम शांति, जिसका अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति कहने से अपने को भी याद दिलाया और सामने वाले को भी याद दिलाया कि हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है, शांति है। आई एम अ पीसफुल सोल, ना कि जो आज हमें अपनी नेचर दिखाई देती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी नेचर बन गई है, ओरिजिनल नेचर नहीं है। तो जितनी बार भी हम ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं
वो इसलिए है ताकि आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार को पुनः इमर्ज करे। तो हमारी नेचर गुस्से वाली है या शांति है? हमारी नेचर क्या है? जो हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं उनकी ओरिजिनल नेचर क्या है? इतना भी अगर याद रहे तो हमारी वाइब्रेशन बदल जाती है एक दूसरे के प्रति। ओम शांति। अभी भी नहीं किया ओम शांति? चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। सभी जो खड़े हैं सेवादारी वो भी बैठेंगे सारे। अपने जीवन को देखते हैं, सिर्फ अपने जीवन को। आज हमने समय निकाला है सिर्फ अपने लिए। अपने जीवन की यात्रा को देखें। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसकी हम सब एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन क्या होना चाहिए। कभी कभी चलते चलते एक ऐसा सीन आता है कि पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है। सोचा कुछ और था और वो कुछ और जाता है, और तब मन ये क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली, और कभी कुछ भी नहीं किया और बहुत सफलता मिली। कभी किसी पर बहुत विश्वास किया और धोखा मिला। कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया और बहुत सहयोग मिला। ये सब कुछ जो होता है वो किसकी मर्जी से होता है। मेरा भाग्य कौन लिखता है? अगर मैं आत्मा अपने भाग्य में कुछ बदलना चाहूं तो मुझे किसके पास जाना है? जीवन में क्या कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आता है कभी ऐसा? आता है कभी अपने जीवन में, कभी अपने आसपास किसी के अचानक से कुछ हो जाता है, हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया। और जैसे ही माइंड क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, माइंड को आंसर चाहिए। तो छोटी छोटी बातों के लिए तो हम उंगली यहां रख देते हैं, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। लेकिन कभी कोई बड़ी बात आती है तो फिर उंगली कहां रखते हैं? कहां रखते हैं उंगली? मतलब तो उंगली कहां जाती है? ऊपर। क्योंकि बचपन से हमने क्या सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। राइट है बात? राइट है बात? जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। यहां तक कि हमने सुना पत्ता पत्ता भी हिलता है तो किसकी मर्जी से हिलता है? ईश्वर की मर्जी से। अग्री?
अग्री, हाथ उठाएं, अग्री, सब लोग अग्री। अच्छा, एक क्षण सोचते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बीमार है। एक लड़की सुबह उठती है, तैयार होकर कॉलेज जाती है और रास्ते में उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि फिर जीवन बदल जाता है। कुछ लोग बहुत श्रद्धा और भावना से तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ ऐसा तूफान आता है कि उनका सब कुछ खत्म हो जाता है या वो खुद ही वापस नहीं आते हैं। कुछ लोग सुबह उठते हैं, 8 बजे की शाम की सुबह की चाय पी रहे हैं, धरती 2 मिनट के लिए हिलती है और उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी एक ने उस समय फेसबुक पर लिखा कि हे भगवान, उम्र बीत गई एक मकान बनाने में, तुम्हें 2 मिनट लगे मेरा पूरा मकान खत्म करने में। तो उस क्षण उंगली किसकी तरफ गई? तो लगता है ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा होगा। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, कहता है मेरी वाइफ, मेरा 5 साल का बेटा और मेरे पेरेंट्स सत्संग में जा रहे थे, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, मेरी वाइफ, मेरा 5 साल का बेटा और मेरी मम्मी ने वहीं शरीर छोड़ दिया और मेरे पापा बहुत सीरियसली इंजर्ड है। वो भाई घर आए, उसने अपनी नस काट ली, कहता मेरा अभी जीने का कोई मीनिंग नहीं रहता है, लेकिन उसको किसी ने बचा लिया। तो जिस सत्संग में वो जा रहे थे, उन गुरुजी की फोटो टंगी ही थी घर पर, तो उन्होंने उसको उतारा, जमीन पर डाला और उस पर जोर जोर से पैर मारे, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब वो सेंटर पर आए तो उनका एक ही क्वेश्चन था माइंड में, मेरे को भगवान ने किस बात की सजा दी, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए मुझे क्या सजा दी, और मेरे परिवार को, मेरे 5 साल के बच्चे ने क्या किया था जिसके लिए भगवान ने ऐसी सजा दी। तो ऐसा भगवान कैसा लगेगा, फिर कैसा लगेगा? ये लगता है ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा होगा। अगर आपको चॉइस मिले कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, तो कैसा भाग्य लिखेंगे? अपने बच्चे का भाग्य लिखें, कैसा भाग्य लिखेंगे? एक वर्ड में बताइए, कैसा भाग्य लिखेंगे? सिर्फ अच्छा? हाँ, स्कूल में कौन सा रैंक आएगा उसका, हर क्लास में सेकंड तो कोई बच्चा आएगा ही नहीं अगर उसका पेरेंट उसका भाग्य लिखेगा। सेहत कैसी रहेगी उसकी, कभी थोड़ा सा बुखार भी हो ही नहीं सकता क्योंकि पेरेंट भाग्य लिख रहा है। अगर पेरेंट बच्चे का भाग्य लिखेगा तो पेरेंट बच्चे का भाग्य हमेशा परफेक्ट लिखेगा। अगर 2 बच्चे हैं और 2 का भाग्य लिखना है, 1 का ज्यादा अच्छा, 1 का कम, नहीं, दोनों का इक्वल हमेशा, पक्का? कितना सिंपल है। अगर पेरेंट बच्चे का भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और इक्वल लिखेगा। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखेगा तो भी ये रूल फॉलो होगा या नहीं होगा? लगता है अगर भगवान हमारा भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और हम सबका कैसा लिखेगा, इक्वल लिखेगा। क्या हमारा भाग्य आज इक्वल है? क्या हमारा भाग्य आज परफेक्ट है? कोई बच्चा पैदा होते बीमार हो, कोई 100 वर्ष तक निरोगी हो, इक्वल है? कोई ऐसे घर में पैदा हो जिसका अपना हेलीकॉप्टर हो और कोई ऐसा हो जिसको कूड़ेदान में जाकर खाना ढूंढना पड़े, इक्वल है? तो आज हमारा भाग्य ना परफेक्ट है ना इक्वल है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा उसके ऊपर। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखता, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज कि भगवान हर आत्मा का भाग्य लिखे, तो कैसा भाग्य लिख देगा? कैसा भाग्य लिखेगा? एक और चीज बचपन से सुने, जैसा कर्म वैसा फल, राइट है?
राइट है? अच्छा अब हाथ उठाओ कौन कौन अग्री करता है कि राइट है। अच्छा ये बात भी राइट है और वो बात भी राइट थी। अब चेकिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट है, हमें चेक करना है कि कौन सा वर्क करता है। एक है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो सारी जिम्मेवारी किसकी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी। गलत कुछ हो रहा है तो गलती किसकी? उसकी। ठीक भी करना है तो किसने करना है? उसने। इसलिए हम रोज सुबह उसको बोलते हैं ये प्रॉब्लम ठीक करो, ये प्रॉब्लम ठीक करो, ये प्रॉब्लम ठीक करो, क्योंकि प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? उसने। तो ठीक भी कौन करेगा? वो करेगा। हम थोड़ा इंसेंटिव देते हैं, अगर आप ठीक कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन ठीक किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खराब आपने लिखा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसा कर्म वैसा फल, तो जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी किसकी? मेरी। अगर ठीक करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? दोनों में कितना फर्क। एक में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, एक में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। एक में अगर वो लिखता तो परफेक्ट लिखता और इक्वल लिखता, जैसा कर्म वैसा फल, तो कर्म हमारे परफेक्ट नहीं है, मेजॉरिटी कर्म हमारे बहुत सुंदर हैं, इसलिए फल में भी मेजॉरिटी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन चलते चलते कुछ कर्म हमने छोटे छोटे ऊपर नीचे कर दिए, तो भाग्य में भी कुछ छोटा छोटा ऊपर नीचे आ जाता है। फिर कर्म हमारे इक्वल नहीं, तो फिर भाग्य भी हमारा सेम नहीं। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट राइट हो सकते हैं एक एट अ टाइम? दोनों राइट हो सकते हैं? सपोज यहां भगवान है, ओके? एक है जो मेरे जीवन में हो रहा है वो इसकी मर्जी, और एक है जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस। दोनों एट द सेम टाइम राइट हो सकते हैं? नो। इसका मतलब दोनों में से एक वैलिड है, एक इनवैलिड। हमने दोनों में हाथ उठाया। क्यों हमने दोनों में हाथ उठाया? क्योंकि बचपन से हमने दोनों सुने और दोनों सुनते हुए अच्छे लगे, तो हमने कहा। हमने आज तक जो सुना सत्संग में बड़ों से, हमने उस पर कभी बहुत ज्यादा मनन नहीं किया। किसी ने कहा जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी, हमने कहा वेरी गुड। आज हम यहां इस हॉल में आए किसकी मर्जी से? आप यहां आए किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए। जो ड्रेस आपने पहनी है किसकी मर्जी से? अपनी चॉइस से, या भगवान ने चूज किया माता जी कि नीले रंग की साड़ी पहननी है? अपनी मर्जी से हो रहा है। सारा दिन चेक करना है कि मेरा हर कर्म किसकी मर्जी से हो रहा है। मैं जो सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, कार्य व्यवहार, ये किसकी मर्जी से हो रहा है? मेरी मर्जी से हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से कैसे लाइन वैलिड हुई? तो आज एक कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा वाला उठाना है? कौन सा वाला उठाना है? जैसे मेरा कर्म वैसे मेरा कॉन्सिक्वेंस। तो इसका मतलब अगर जीवन में कभी भी कुछ ऐसी सीन आए कि मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो अब उंगली कहां जानी है? तो अब वहां नहीं जा सकती। अब उंगली कहां जानी है? यहां। अब इसको ठीक करना है तो मुझे किसके पास जाना है? सिंपल। आज हम बहुत लोगों के पास जाते हैं अपना भाग्य ठीक करवाने के लिए। कोटा में जाते हैं आप लोगों के पास भाग्य ठीक करवाने के लिए? नहीं जाते। अच्छा, आप अपना भाग्य पूछने के लिए जाते हैं लोगों के पास? ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं जाएगा पूछने के लिए कि मेरा भविष्य में क्या होने वाला है। अभी अगर दूसरे हॉल में कोई बैठ जाए हाथ देखने वाला, ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं? इवन जनरली कैजुअली इकट्ठे चार लोग बैठे हो, कोई एक कहे मुझे हाथ देखना आता है, बाकी तीन हाथ एक सेकेंड में आगे हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी, जानने की कि आगे क्या होने वाला है, विच इज वेरी रिस्की। ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अंदर। इंफॉर्मेशन एक बार अंदर गई बाहर नहीं निकल सकती यहां से। वो इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है, तो बहुत ध्यान रखना है। क्यों हम जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है? क्यों जानना चाहते हैं?
क्यों एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जानना कि क्यों आप भविष्य में होने वाला है, क्यों जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, बताइए क्यों जानना चाहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ जी, क्या करने के लिए, उस डर को हटाने के लिए। क्यों जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, सुधार करने के लिए। अगर हमें पता भी चल जाए कि क्या होने वाला है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आज एक भविष्यवाणी देती हूं कि अगले 6 महीने में आपके कोई बहुत नजदीक का व्यक्ति, बहुत नजदीक है आपके, आने वाले 6 महीने में आपको धोखा देने वाला है। मिल गई इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना बहुत नजदीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ली, घर आए, अब क्या करेंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ। सी प्रेडिक्शन कैसे होती है, मैं ये आपको बता सकती हूं कि कोई नजदीक का व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, लेकिन ये नहीं बता सकती वो कौन है। अब रिजल्ट क्या होगा इसका, एंग्जाइटी, फियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आसपास के 8-10 लोगों पे डाउट। वो बच्चा भी हो सकता है, वो हमारा हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, वो बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो मेरा कलीग हो सकता है, वो मेरा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई एक धोखा देने वाला है वो बात राइट है, लेकिन हम डाउट कितने पर करेंगे, पिछले कर्म का हिसाब किताब। एक डाउट, एक धोखा देने वाला है, प्रेजेंट कर्म में 8-10 पर डाउट करना शुरू करूंगे, आने वाले 6 महीने में मेरी मन की स्थिति क्या हो जाएगी। पहले इतनी थी अगर पावर, 6 महीने में एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डाउट क्रिएट करके बैटरी कितनी हो जाएगी। और अब वो व्यक्ति धोखा देगा तो क्या मेरे पास उसको फेस करने की ताकत होगी, और कितने रिश्ते बिगड़ जाएंगे। किसी का फोन चेक करेंगे, किसी का कुछ चेक करेंगे, पता नहीं ना कौन डाउट, कौन देने वाला है धोखा। इट्स वेरी रिस्की, ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कि जो आने वाले समय की इंफॉर्मेशन हम पहले ले लेते हैं उससे हम आने वाले समय को रोक नहीं सकते। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि चाहे कोई भी समय आने वाला है, हम अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि मेरे सामने कोई भी सीन आएगी, मेरे पास उसको फेस करने की ताकत है। हम ये नहीं डॉक्टर से जाके पूछ सकते कि 6 महीने में मुझे जॉन्डिस होगा या टाइफॉइड होगा या ये होगा तो मैं उसकी तैयारी करूं। डॉक्टर कहेगा अच्छा खाओ, अच्छा सो, एक्सरसाइज करो, कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो आपके शरीर के पास उसको फाइट करने की ताकत है और वो खत्म कर देगा। एक 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 पे वर्क नहीं हो पाएगा। तो आज हम जीवन का मंत्र, जो हमें पता था लेकिन जिसको हम याद नहीं रखते, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। हम जिनके पास प्रेडिक्शन लेने जाते हैं वो प्रेडिक्शन राइट होती है, वो साइंस है, लेकिन उस प्रेडिक्शन के साथ हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज हमें डॉक्टर कहे कि आपका आज का ब्लड टेस्ट देखकर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर, आपके परिवार की हिस्ट्री देखकर और आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से ये लगता है आने वाले 6 महीने में आपको डायबिटीज हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है, साइंटिफिक है, एक्यूरेट है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, घर आते हैं, कोई एक व्यक्ति कहेगा मुझे डायबिटीज होने वाला है, होना ही था, क्या करूं, ना खाने को टाइम, ना ये करने को टाइम, ना वो करने को टाइम। ऐसी थॉट्स क्रिएट करने के लिए उसको 6 महीने से पहले ही डायबिटीज हो जाएगा। आप आएंगे घर, आप कहेंगे मेरा शुगर बॉर्डर लाइन पे है, तो आज से लाइफस्टाइल चेंज, सब कुछ चेंज कर दिया, तो कितने दिन में डायबिटीज होगा, कितने दिन में डायबिटीज होगा, होगा ही नहीं। प्रेडिक्शन राइट थी, प्रेडिक्शन राइट थी, डॉक्टर की प्रेडिक्शन राइट थी या नहीं राइट थी, बिल्कुल राइट थी, लेकिन वो प्रेडिक्शन संभावना, वास्तविकता नहीं। संभावना के बाद वास्तविकता क्या बनानी है वो पावर किसके पास है,
लेकिन आज हमें कोई कह दे आपके अगले 2 साल भारी हैं, हम उसको ही वास्तविकता बनाकर घर ले आते हैं और हम कहते हैं मेरे अगले 2 साल भारी है, मेरे अगले 2 साल भारी है, कुछ भी कर लो सफलता तो मुश्किल है। अब ये थॉट क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली सफलता मुश्किल हो जाएगी। फिर हम कहेंगे उन्होंने बिल्कुल राइट कहा था, उन्होंने संभावना बताई थी, वास्तविकता हमने बनाई थी। तो इवन अगर किसी ने हमें बता दिया है कि अगले 2 साल भारी है, 7 साल भारी है, वो कितने भारी है वो चॉइस हमारी है। किसी के लिए एक सुई भी भारी हो सकती है, किसी के लिए एक पहाड़ भी बहुत हल्का हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट? हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है, उस परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल। तो भाग्य किसके हाथ में आ गया? भाग्य सारा किसके हाथ में आ गया? एंड फल मतलब ये नहीं कि कोई सजा या कोई ब्लेसिंग जो किसी और से मिलनी है या परमात्मा से मिलनी है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी का कॉन्सिक्वेंस कर्म को फॉलो करेगा, ऑटोमेटिक है। अगर मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि बीमारी आएगी। हमने क्या कहा? जैसे कर्म हमने किए भगवान ने भाग्य लिखा। जैसा कर्म हमने किया उसका कॉन्सिक्वेंस ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएगा उसको। अब इस लाइन को आज पक्का करते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सिर्फ बोलते और करते नहीं है, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और बाहर भेजते हैं, वो है हमारा कर्म। जो हम सोचते हैं, क्योंकि हम में से बहुतों ने एक और नई कला मास्टर की है आजकल कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अगर मैं बहन से मिलूं और कहूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहिया कीजिए, अगली बार तो भोजन भी हमारे घर ही करना, और अंदर से कहूं बोर हो गई इनसे मिलने के बाद, तो अब बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाएगा? ये कर्म राइट था या गुड या बैड? लेकिन मैंने तो बहुत प्यार से बात की। हम ऐसे चेकिंग करते हैं अपने, मैंने उनसे प्यार से बात की, मैंने उनको खाना भी खिलाया, मैंने उनका ये भी किया, वो भी किया, मैंने उनके लिए सोचा कैसे, वो कोई चेकिंग नहीं कर रहा। और फिर हम कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसकी चेकिंग यहां करनी पड़ेगी। इसलिए जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मींस एनर्जी जो हमसे निकल कर बाहर जाएगी वो है कर्म। हम बोलते बहुत कम है कंपेयर टू जो हम सोचते हैं, इसलिए ज्यादा कर्म कहां बन रहे हैं? ज्यादा कर्म कहां बन रहे हैं? हमारी थॉट्स में। अगर हमारी थॉट्स प्योर होंगी, बोल तो अपने आप प्योर हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज हम कई बार इतना नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में और उतना ज्यादा मीठा बोलना पड़ता है फिर ऊपर से। आजकल हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मेजोरिटी हम लोग एक्स्ट्रा मीठा बोलने लग गए हैं एक दूसरे से। आपको लगता है कि नहीं ऐसा? एक्स्ट्रा मीठा बोल रहे हैं, नॉर्मल मीठा नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीठा मीठा होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है, बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है। तो हम क्या हो रहे हैं? ओरिजिनलिटी से आर्टिफिशियल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है हमारा, बहुत आर्टिफिशियल है। और कई बार तो इतना मीठा बोलने के बाद भी सामने वाले को अच्छा नहीं फील होता। कहते बहुत मीठा बोल रहे थे लेकिन मिलके मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? आपको कभी ऐसा लगा किसी ने बहुत एक्यूरेट व्यवहार किया, हर वर्ड परफेक्ट बोला लेकिन मिलके मजा नहीं आया? कभी फील हुआ किसी के साथ ऐसा? क्यों मजा नहीं आया? क्या मिला उनसे? क्या मिला उनसे? उनकी वाइब्रेशन। जब हम दो लोग मिलते हैं, हम अपनी एनर्जी दूसरे को रेडिएट करते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो किसी को नहीं पता चल रहा, जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाले को फील हो रहा है। वो हमारी परफ्यूम है जो हमने पहनी हुई है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है।
जैसे परफ्यूम हो गया ना सुबह सुबह जो डाल लिया अपने ऊपर, फिर जहां जाएंगे परफ्यूम साथ साथ जाएगा, फिर कितना भी मीठा बोल लो वो परफ्यूम पहले मिलने वाला है दूसरे को। इसलिए कर्म की चेकिंग कहां करनी है, अब चेकिंग, क्या हम हरेक के लिए मीठा सोचते हैं, मीठा सोचते हैं, प्यारा सोचते हैं, पवित्र सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं। अगर हमारी सोच प्योरिफाई हो जाए हमें किसी के पास जाकर पूछना नहीं पड़ेगा मेरे भविष्य में क्या, क्योंकि बीज ही इतना सुंदर है तो फल कैसा होगा, सुंदर ही होगा। तो सिर्फ कर्म को बदल लें तो भाग्य तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। अब जो हम एनर्जी क्रिएट करके रेडिएट कर रहे हैं कर्म, जो एनर्जी सामने से हमारे पास आ रही है, परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, मेरी सेहत, ये जो बाहर से एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, जो एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, जो एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, वो है मेरा फल, वो है मेरा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं कर्म, ये मेरे से कैसे बात करें वो है फल, मैं इनसे कैसे व्यवहार करूं मेरा कर्म, वो मेरे से कैसे व्यवहार करेंगे वो है मेरा भाग्य। दोनों में से कौन सा मेरे कंट्रोल में, अब सारा दिन एनर्जी फ्लो को चेक करते हैं, जो एनर्जी हम क्रिएट करके बाहर भेज रहे हैं वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, जो एनर्जी सामने से हमारी तरफ आ रही है, अब ये सामने से जो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है ये हमारी तरफ क्यों आ रही है, ये हमारी तरफ क्यों आ रही है, लाइन क्या थी मंत्र की, मंत्र की लाइन क्या थी, जैसा कर्म वैसा फल। अब ये जो फल मेरी तरफ आ रहा है ऐसा वाला क्यों आ रहा है, ऐसा वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी ऐसा वाला कर्म किया था। ओके, अब देखते हैं, अगर मेरे हाथ में अभी एक बॉल है, उस बॉल को लिया सामने वाली दीवार पर मारा, जब तक वो बॉल मेरे हाथ में है उसको कैसे मारना है, किस स्पीड पे मारना है, किस एंगल पे मारना है, टोटल चॉइस किसकी, मेरी पावर मेरे पास है। जैसे ये मेरे हाथ से निकल गए अब ये सामने वाली दीवार पे हिट करेगी और ये बॉल वापस आएगी, आएगी या नहीं आएगी, कोई रोक सकता है उस बॉल को वापस आने से, नहीं, वो बॉल तो वापस आनी ही है। अब ये बॉल जो वापस आ रही है ये है मेरा, ये है मेरा भाग्य। ये बॉल मेरे पास बहुत फास्ट और इस तरफ से आ रही है, इसका कारण क्या, बॉल वापस जिस स्पीड और डायरेक्शन पे आएगी वो किस पर डिपेंडेंट है, मैंने किस स्पीड और डायरेक्शन पर भेजी थी। अब जब वो बॉल सामने से आ रही है मेरे पास क्या चॉइस और पावर है, पहली चॉइस और पावर थी बॉल फेंकने के टाइम, हाथ से निकल गई सामने वाली दीवार पर जाएगी वापस आएगी। कोई एक साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करके हमें दे सकता है कि आपके पास बॉल 4 घंटे 3 मिनट 2 सेकंड के बाद वापस आएगी, कर सकते हैं प्रेडिक्शन, कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैलकुलेशन है, आपने भेजी थी ऐसी थी आएगी ऐसे। लेकिन जब वो वापस आ रही है तब हम उस बॉल के बारे में क्या कर सकते हैं, हाँ जी, बॉल के आगे से हट सकते हैं, विजुअलाइज करें बॉल आ रही है, मैंने एनर्जी फेंकी थी सामने वाली दीवार पे हिट हुई वापस आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, सपोज बहन खड़ी हो अभी हॉल में सबके सामने और 1000 लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कह दे, मैं कहूं मेरी इंसल्ट कर दी इतने लोगों के सामने, ये बॉल आ रही है, आती है ऐसी बॉल्स जीवन में,
आती है ना, ये सामने से आती है, कोई भी चीज जो सामने से आ रही है मतलब वो बॉल सामने से आ रही है। पहली बात, ये बॉल सामने से क्यों आ रही है, ये बॉल मेरे को सामने से क्यों आ रही है, क्योंकि ये बॉल मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। अब जब ये सामने से बॉल आ रही है तो मेरे पास क्या चॉइस है और क्या पावर है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूं, ये सामने से एनर्जी आ रही है, व्हाट कैन आई डू। पहली बात तो विजुअलाइज करें अपने जीवन में बॉल्स आती हैं सामने से, किस किस के पास जीवन में बॉल्स आ रही हैं सामने से, है ना, बहुत सारी आती हैं, सारा दिन आ रही है, जीवन मतलब ही बॉल आ रही है सारा दिन, जीवन मतलब सारा दिन बॉल्स आ रही है, सारा दिन जा रही है, सिर्फ अटेंशन कहां रखनी है जो बॉल जा रही है। हम अटेंशन सारा दिन किस पे रखते हैं, जो बॉल आ रही है। पहली बात, दोनों में से हमारी पावर किस पर है, जो आ रही है या जो जा रही है, जा रही है, तो हमारी अटेंशन किस पर होनी चाहिए, जो जा रही है। लेकिन हमारी अटेंशन किस पर होती है, जो आ रही है। ये मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही है, इनको ऐसे बात करनी चाहिए थी, इनको ऐसे करना चाहिए था, बोलना भी था तो पीछे कमरे में आके बोलते, सबके सामने बोल दिया, अच्छा बोलना था तो प्यार से बोलते, इसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ये सारा मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं, जो बॉल सामने से आ रही है। क्या सामने से आने वाली बॉल हमारे कंट्रोल में है, जोर से बोल के फाइनल करके लॉक, सामने से आने वाली बॉल हमारे कंट्रोल में नहीं, मतलब लोगों का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं। आज से लोगों को बदलने की कोशिश, आपने रियलाइज किया ना आपने क्या बोला अचानक, आज से हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉल तो सामने से आ रही है, यू हैव टू विजुअलाइज, वो बॉल दीवार से हिट करके सामने से आ रही है, वी कैन डू नथिंग, उस बॉल को हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब ये बहन सबके सामने खड़े होकर मुझे ऐसा कुछ कहेंगी, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, मैं उन्हें नहीं चेंज कर सकती, लेकिन जब वो ऐसा करेंगी मैं कैसा रिस्पोंड करूंगी, अंदर कैसे फील करूंगी, बाहर कैसे बोलूंगी और व्यवहार करूंगी, वो एक नई बॉल है जो उस टाइम जा रही है, नई बॉल है ना, नया कर्म है मेरा, ये एनर्जी यहां से आ रही है, आई कैन डू नथिंग टू इट। हम सारा दिन उस एनर्जी को चेंज करने की इतनी कोशिश करते हैं कि उतनी देर में फिर से गलत बॉल चली जाती है, मैं या तो हर्ट हो जाऊंगी या नाराज हो जाऊंगी, वो मेरी गलतियां निकालेंगी तो मैं उनकी चार निकालूंगी, ये करते करते मैंने नई वाली बॉल भी कैसे फेंक दी, अब क्योंकि मैंने फिर से गलत वाली बॉल भेज दी, अब वापस कौन सी आएगी, फिर वही आएगी, फिर वही आएगी, मैं फिर वही भेज दूंगी, फिर आती जाएगी, फिर भेजती जाऊंगी, पिंग पोंग चलता जाएगा। फिर अब हमें आज अटेंशन शिफ्ट करना है कि सामने से जो व्यवहार आ रहा है, जो बॉल आ रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। पहली बात, वो बॉल क्यों आ रही है, क्योंकि कभी ना कभी, ये लाइन एक बार बोल देना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बॉल मैंने भेजी थी, तो उनकी गलती पक्का, याद करके उन लोगों को जिनकी गलतियां लगती हैं आज तक, उनकी गलती नहीं है, वो बुरे नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली वही बॉल भेज रहे हैं जो उनको ऐसे भेजी थी, तो वो वही वाली भेजेंगे। अब मेरे पास चॉइस है कि मैंने नेक्स्ट टाइम कौन सी भेजनी है। अगर मैंने कभी ना कभी एक ब्लैक कलर की बॉल उस दीवार की तरफ भेजी थी, तो ब्लैक कलर वाली तो वापस आएगी, रास्ते में थोड़ी व्हाइट हो जाएगी वो अपने आप, ब्लैक भेजी थी ब्लैक आएगी। आज चॉइस है कि वो आती हुई ब्लैक को देखकर इस बार कौन सी भेजनी है। अगर इस बार भी ब्लैक भेज दी, फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी, ब्लैक भेजेंगे, कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग क्यों बढ़ता जा रहा है, ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो ब्लैक से ब्लैकर होता गया हमारा समाज।
अब अगर हमें सृष्टि पर सत्योग लाना है तो ब्लैक के रिटर्न में क्या भेजना पड़ेगा? पॉसिबल? 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 पहली बात तो जीवन में उन लोगों को ले आए जो छोटी मोटी ब्लैक बॉल आपको भेज रहे। कोई है जीवन में जो ब्लैक बॉल भेज रहा है? यहीं के यहीं पिन पॉइंट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उन लोगों को, क्योंकि वहां यहां से 2 बजे जाने के बाद व्हाइट भेजनी है उनको। इधर नहीं बोलना है, सिर्फ व्हाइट भेजनी है। हमने चूज किया है आज कि मुझे जो एनर्जी अब भेजनी है इट हैज टू चेंज। क्यों? क्योंकि जो आज हम भेजेंगे वो वापस आने वाला है। तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे। इज दैट पॉसिबल? इतना साइलेंस नहीं, आंसर। इज इट पॉसिबल कि वो हमारे पास ब्लैक भेजेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे? जी, कोशिश क्या करनी पड़ेगी? चलो लेट्स सॉर्ट इट आउट अभी ही। क्या कोशिश करनी पड़ेगी? ये मेरे साथ गलत करते जाएंगे, मुझे सिर्फ इनके लिए अच्छा सोचना है, अब इसमें मेहनत क्या है? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, अपने फायदे के लिए, उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे, अच्छा सोचेंगे उनके लिए। सपोज हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नीयत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। यह भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल है ऐसा सोचना? क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? नो। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, लेकिन व्हाइट फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ,
तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? हमने किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें? अब ईंट का जवाब किससे दें? फूलों से दें यहां बैठकर, या 12 बजे 2 बजे वहां जाकर वहां देंगे जवाब फूलों से? यहां बैठकर नहीं, क्या करना है आज डिसाइड करना है। क्योंकि जब हम यहां से बाहर जाएंगे कलयुग वातावरण में, तो अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसे कैसे आप ईंट का जवाब फूलों से कैसे दे सकते हो? कन्विक्शन होनी चाहिए कि हम ईंट का जवाब फूलों से क्यों देने वाले हैं? अपने फायदे के लिए। क्योंकि ये ईंट मेरे पास आ भी क्यों रही है? मैंने ही कभी ना कभी ये एनर्जी दी थी, ये एनर्जी वापस आ रही है। कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा कल रात को क्या हुआ? नहीं, सुबह क्या हुआ? कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी। दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने, टेबल रखी, उठा, मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां, और ठीक करने की उंगली भी यहां। तो आज क्षमा करें उनको, क्षमा करें उनको, यस, क्षमा करें उनको, किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। किसकी बैलेंस शीट चेंज होगी? मेरी चेंज होगी। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। सपोज आज आपको शाम को किसी के यहां बर्थडे पे जाना है और हमें उनके लिए गिफ्ट खरीदनी है, तो किसी के लिए जब गिफ्ट खरीदते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है गिफ्ट लेने के लिए? किस बेसिस पर किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं? अभी मार्केट में गए गिफ्ट चूज करनी है शाम के फंक्शन के लिए, तो किस बेसिस पे गिफ्ट खरीदेंगे? उन्हें क्या पसंद है? और रेंज किस बेसिस पे सिलेक्ट होगी? भाई साहब ने कहा रेंज, तो रेंज किस बेसिस पे डिसाइड होगी? 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख, किस बेसिस पे डिसाइड होगी? उन्होंने हमें कितना दिया था? सिंपल है ना, उन्होंने हमें कितना दिया था? सपोज उन्होंने 500 का दिया था, हम भी 500 के आसपास का लेंगे। अब हम मार्केट में जाते हैं, हमें 5000 की एक बहुत सुंदर चीज दिखाई देती है, हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि उन्होंने नहीं दी थी उतने की, तो हम जाके 500 वाली चीज ले लेते हैं, दे देते हैं। आज अगर हमें पता चले कि जो आज शाम को हम उनको गिफ्ट देंगे, नेक्स्ट संडे वही गिफ्ट वैसे के वैसे हमारे घर आने वाली है, अब कौन सी वाली लेंगे दुकान में जाकर? अब कौन सी वाली लेंगे हम दुकान में जाकर? 5000 वाली लेंगे नहीं लेंगे? ये है कर्म फिलोसफी। जो हम आज किसी को देंगे, नेक्स्ट संडे वो हमारे घर आने वाला है। क्या देना है और कितने का देना है चूज करके दे दो। वो क्या दे रहे हैं उस बेसिस पर अगर दिया, तो नुकसान किसका हो जाएगा? हमारा।
मुझे अगर प्यार चाहिए तो मुझे प्यार सबको देना है, मुझे मिल जाएगा। अगर मैं कहूं लेकिन उसने तो मेरे से प्यार से नहीं बात करी तो मैं क्यों करूं, तो नुकसान किसका होगा? मेरा। कर्म मीन्स जो गिफ्ट हम आज देंगे वही की वही गिफ्ट वापस आने वाली है। जीवन में जो चाहिए वो सबको देते जाना है। परमात्मा कहते हैं जो चाहिए सबको देते जाओ, देने में ही लेना समाया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबके सामने खड़े हैं सारा दिन, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, ट्रस्ट दो, मुझे अंडरस्टैंड करो, तो हमारी जीवन कैसी हो गई? ऐसे कभी देखा है अपने आप को ऐसे खड़े हुए सबके सामने? हम सारा दिन खड़े हैं लोगों के सामने, ऐसा दो मिनट तो प्यार से बात करो, एक फोन तो करते सारा दिन में। ये कलयुग है, और सत्ययुग कैसा होगा? सत्ययुग में हाथ कैसा होगा? ऐसा होगा। सत्ययुग मतलब देवी देवता, देवी देवता मतलब देने वाले, और कलयुग में हम कैसे हो गए? और कलयुग के एंड तक आते आते तो ऐसे भी नहीं हो गए, ऐसे हो गए। ये कलयुग का एंड है। अब जब हम ऐसे तक हो जाते हैं कि जो हमारा नहीं है उसको भी हम छीनने की कोशिश करते हैं। अभी दिवाली गई ना तो स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं लक्ष्मी पूजा के समय, कोई भी नया स्थान करते हैं, सुबह पूजा करते हैं तो स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं। कितना सुंदर साइन है, देखो स्वस्तिक चार खाने इक्वल, राइट? पहला खाना हाथ कैसे, पहले खाने में हाथ कैसे, ऐसा। ये सत्ययुग है, सत्ययुग में हाथ कैसा होगा? ऐसा, मतलब देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, दुआएं देने वाले। सेकंड खाना त्रेता युग, हाथ कैसा हो जाएगा? नीचे, ना देना ना लेना। तीसरा खाना द्वापर युग, हाथ कैसा हो जाएगा? मांगने वाले। और चौथा खाना कलयुग, हाथ कैसा हो जाएगा? तो सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग में हाथ ऐसा हो जाता है। अब चौथे खाने के बाद कौन सा खाना आने वाला है? स्वास्तिक ड्रॉ किया ना, तो चौथा खाना हाथ ऐसा है, हाथ उठा रहे हम कलयुग में एक दूसरे के ऊपर। अब चौथे खाने के बाद कौन सा खाना आने वाला है? अब वापस ये वाला खाना आने वाला है। कलयुग आ गया, कलयुग का भी घोर कलयुग आ गया। अब इस घोर कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? फिर वो सत्ययुग आने वाला है। तो सत्ययुग मतलब हमें किस से किस पर शिफ्ट होना है? ऐसे से ऐसे पर शिफ्ट होना है। आज अगर हम एक चीज भी पक्की करें कि मुझे जो चाहिए मुझे औरों को देना है, ऐसे खड़े होना रॉयल्टी नहीं है। आप देखो जब हम सड़क पे जाते हैं तो कुछ लोग खिड़की पे नॉक करते हैं, मांगते हैं। कितनी बार नॉक करते हैं? कितनी बार नॉक करेंगे? एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, नहीं मिलेगा तो आगे चलेंगे। हम अपने आसपास के जीवन के लोगों पर जीवन भर नॉक करते जाते हैं, प्लीज दो, प्लीज दो, प्लीज दो। सामने वाले की मर्जी, वो दे या ना दे। और कई बार तो देने की बजाय जो हमारे कटोरे में थोड़ा सा पड़ा था वो भी उठा के ले जाते हैं, आते हैं और कोई ऐसी लाइन कहते हैं कि जो मेरी थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं। लेट्स शिफ्ट, युग बदलना है, संस्कार बदलने हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आप मुझे प्यार दो, आप मुझे समझो, कैन बी शिफ्ट टू मैं आपको समझू। आप मुझे रिस्पेक्ट दो, कैन बी शिफ्ट टू मैं आपको रिस्पेक्ट दू। पॉसिबल? पॉसिबल? अगर हम वो करते हैं हमारा सत्ययुग अभी शुरू हो जाता है। ये करते 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 आत्मा रूपी बैटरी खाली होती गई, नहीं मिला। मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो ज्यादा गुस्से की एनर्जी किसको मिलती है, जो डांटता है या जो डांट खाता है? एक सीन विजुअलाइज करें, एक जना डांट रहा है, सामने वाला डांट खा रहा है, किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? पक्का? तबीयत किसकी ज्यादा खराब हो रही है, जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? जो डांट रहा है। इसका मतलब देने वाले को सबसे पहले मिलता है।
लेने वाले की चॉइस है उसको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन देने वाले के पास चॉइस नहीं है, उसको मिलता ही है। इसी तरह डांटने की बजाय अगर प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो सबसे पहले किसको मिलेगा? जो दे रहा है। ये कर्म फिलॉसफी है कि देने में लेना समाया हुआ है और जो दिया वो वापस भी आएगा। तो आज से हमने कौन सी बॉल फेंकनी है? सिर्फ पक्का पक्का, इतना ढीला जवाब अभी करेंगे तो शाम तक क्या होगा, कल तक क्या होगा? राइट बॉल। अब ये नहीं सोचना कि मैंने अभी अभी उधर राइट बॉल भेजी तो वहां से क्या आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से व्हाइट बॉल उठाकर डालते हैं और हमने सुना था सुबह कि व्हाइट भेजेंगे तो व्हाइट आएगा, लेकिन वहां से क्या आ जाता है? ब्लैक ही आ जाता है। तो हम कहते हैं ये तो रॉन्ग हो गया, व्हाइट भेजा तो ब्लैक तो आया। क्यों ऐसा होता है कि किसी को हम व्हाइट भेजते हैं तो भी ब्लैक आता है? क्यों ऐसा होता है कि हम व्हाइट भेजते हैं तो भी ब्लैक आता है? हाँ, फिर सारे आंसर हमें आप पता है तो भी हम बाहर जाके गड़बड़ कर देते हैं। सी बहन ने कितने प्यार से कहा, पहले की पड़ी है ना ब्लैक बॉल, वो तो आनी है ना सारी हमारे पास वापस। तो जब पहले वाली, सपोज मैंने उनको 100 भेजी है पहले, अब उन्होंने भेजनी शुरू की, उन्होंने 10 भेज दी और मैंने सोचा नहीं अब आज से मैं व्हाइट भेजूंगी, तो मैंने आज से व्हाइट भेजी, लेकिन बाकी 90 आने या नहीं आने? तो वो 90 आने तक अपनी विल पावर को बना के रखना पड़ता है कि वहां से ब्लैक आए तो भी मुझे व्हाइट भेजना है। यस, पक्का? अगर हमने आज ब्लैक के रिटर्न में व्हाइट भेजना शुरू कर दिया, हमारा सत्युग आज शुरू हो जाता है। इतना सिंपल है अपना जीवन बदलना। बाहर जाकर किसी से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में राय कलयुग जैसी ही मिलती है। कलयुग में अगर आप जाके किसी को कहेंगे ब्लैक के रिटर्न में व्हाइट भेजो, वो कहेंगे ये जीवन ऐसे नहीं चलती, ब्लैक के रिटर्न में 2 ब्लैक भेजो, ऐसी सीख मिलेगी बाहर। वो सुनना नहीं है, क्योंकि वो करते करते हमारा कलयुग क्या हो गया, एक दूसरे की एनर्जी को कॉपी करते करते ही तो हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन अब हम ऐसी एनर्जी डालें जो लोग हमें कॉपी करें। कलयुग से सत्युग भी कैसे बनेगा? कुछ लोग शुरू करेंगे ना वो सत्युग बनाना है। आप देखो, जब भारत गुलाम था तो मेजॉरिटी लोग वो गुलामी की जीवन जी रहे थे ना, कुछ लोग थे ना जिन्होंने कहा नहीं हम ऐसी जीवन नहीं जिएंगे। कुछ लोग, कितने थोड़े पूरे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, उन कुछ लोगों ने पूरे देश का भाग्य बदल दिया। तो ये कलयुग से सत्युग भी कुछ लोग ही लाएंगे, सारे नहीं लाएंगे। मेजॉरिटी वो गुलामी के जीवन में बहुत खुश है कि यही जीवन है, उसको स्वीकार कर लिया है, मेहनत नहीं करने के लिए रेडी उस पे है। तो सामने से कोई भी कलर आए, मेरे पास स्टॉक में एक ही कलर होना चाहिए। मेरे पास स्टॉक में यहां दूसरा कलर है ही नहीं। हम सिर्फ व्हाइट कलर का बिजनेस करते हैं तो हम दूसरा कलर कैसे देंगे? अब सामने वाला हमें कोई भी कलर दे, हमारे पास एक ही है, एक ही है, एक ही है। कई बार कुछ रिश्ते जो बहुत नजदीक के होते हैं, जिनके साथ हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, हमने उनको हमेशा सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, और वो ही हमारे साथ बहुत गलत कर देते हैं। होता है ऐसा कभी कभी? और हम कहते हैं कैसे कर्मा लॉ एप्लीकेबल है, मैंने इनके साथ कभी गलत नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हैं? जो कर्म का हिसाब किताब है वो किसके और किसके बीच होता है? मेरा और इनके बीच होता है। अब सपोज मैं बहन से यहां पर 1000 रुपीज बोरो करूं, ठीक है, मैंने 1000 रुपीज बोरो किए, नेक्स्ट वीक मैं उनसे मिलूं तो मुझे वो 1000 रुपीज रिटर्न करने? यस, बताते जाइए आंसर, करने पक्का। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे
उनकी भी साड़ी चेंज, मेरी भी साड़ी चेंज, 1000 रुपीज वापस करने, यस करने। यहां से मैं बाहर गई, जिस हाथ से मैंने वो 1000 रुपए लिए थे वो हजार, वो हाथ कट गया, नया हाथ लग गया, 1000 रुपीज वापस करने, करने पक्का। 1000 रुपीज बोरो किए, बाहर गई, ये शरीर ही कट गया, नया शरीर मिल गया, 1000 रुपीज वापस करने। सोच के आंसर देना, 1000 रुपीज वापस करने पक्का करने। अब सिर्फ होगा ये कि जब ये कॉस्ट्यूम बदल जाएगा और नया कॉस्ट्यूम मिल जाएगा, मुझे भूल जाएगा कि मैंने 1000 रुपीज बोरो किए थे, और वो सडनली मेरे जीवन में आएंगी और 1000 रुपीज लेके चली जाएंगी। मैं सुबह सुबह निकलूंगी अपनी गाड़ी लेकर, 6 बजे रास्ता खाली है, मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगी, गए नेक्स्ट टर्निंग पे टक्कर हुई, सामने से वो उतरेंगी, सुबह सुबह मेरे से 1000 रुपए लेंगी, चली जाएंगे। ये कौन थे पता है, जिनको हम पिछली बार देना भूल गए थे, और फिर हम सारा दिन कहेंगे ये आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं 5 मिनट लेट निकलती तो, अगर मैं उस रास्ते से नहीं जाती उस रास्ते से जाती तो। लेकिन वो नहीं, हमने उतने ही बजे उस रास्ते से ही जाना था, क्योंकि उनसे मिलना एब्सोल्युटली एक्यूरेटली फिक्स्ड था स्क्रिप्ट के अंदर। इसीलिए कभी क्वेश्चन नहीं। एक भाई अपने परिवार के साथ जा रहे थे, सामने से एक ट्रक था जिसमें वो लंबी लंबी रॉड्स थी, पूरा परिवार उधर ही फिनिश हो गया, वो भाई एक बचा। तो बाद में क्या कहता है, अगर हम घर से 5 मिनट लेट निकले होते तो। कहते हैं मैंने निकलते समय अगर सिर्फ एक ग्लास पानी पी लिया होता तो भी ये नहीं हुआ होता, लेकिन वो होना ही होता है। कार्मिक अकाउंट बड़ा परफेक्ट एक्यूरेट है, और वो सिर्फ नेगेटिव चीजों में नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे साथ जीवन में ऐसे ही हो जाती है कि जो हमने सोचा ही नहीं था, कोई मिला अचानक, ये हुआ, भाग्य बदल जाता है। तो सामने वाले के साथ जो मेरा हिसाब किताब है वो इस कॉस्ट्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है। अब जब वो सामने हमारे आएंगे, हम उनको पहचानेंगे नहीं कि ये कौन है। अब सपोज लेन देन 1000 रुपए की नहीं, थोड़ी ज्यादा है, सपोज मैंने उनको धोखा दिया, उनका करोड़ों का नुकसान कर दिया, उनका मन दुखी हो गया, उनके शरीर को बीमारी लग गई, धन भी गया, उनके परिवार में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये मैंने कर्म किया। 50-100 साल बीत गए, उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज, मेरा भी कॉस्ट्यूम चेंज। जब हम दो आत्माएं सामने सामने आएंगी तो कुछ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो होना ही है। लेकिन मुझे भूल गया कि मैंने उनको धोखा दिया, मेरी वजह से उनको इतना नुकसान हुआ, ये मुझे भूल गया। अब जब हम मिलेंगे वो कुछ ऐसा कर्म करेंगे जिससे मेरा भी तन मन धन सब पर नुकसान होने वाला है, और तब मैं कहने वाली हूं मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकते हैं, ये मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकते हैं। हाँ जी, ये मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकते हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नजदीक आना पड़ता है। जिसने ज्यादा घाव देना है उसको बड़ा नजदीक आना पड़ता है, फिर हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, वो मेरा भाई मेरा बच्चा, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा करना था इसलिए वो उस रोल में आया था। हमारे जो जितने क्लोज कनेक्शंस हैं उसमें से मेजॉरिटी हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत प्यारे हैं,
लेकिन कुछ एक कार्मिक अकाउंट हमारे थोड़े से भारी हैं। आज हमारे पास चॉइस है कि उस भारी को ही कंटिन्यूड रखना है या आज उसको बदलना है, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सपोज दो लोग मिलते हैं, बात करते करते आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया, अपने अपने घर चले गए, अगले हफ्ते मिले तो सेकंड मीटिंग कैसी होगी? सेकंड मीटिंग कैसी होगी? जहां फर्स्ट मीटिंग खत्म हुई थी उसी लेवल पर सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी ना। अब सेकंड मीटिंग थोड़ी और नेगेटिव हो जाती है तो थर्ड मीटिंग कैसी होगी? फिर वो और तो एवरी नेक्स्ट मीटिंग और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो जाती है, जब तक किसी एक मीटिंग में दोनों में से कोई एक चेंज करता है और कहता है भूलो ना पुरानी बातों को, आई विल चेंज। उसके बाद वो मीटिंग भी बदल जाती है और उसकी हर नेक्स्ट मीटिंग बदल जाती है। अब वो सारे कार्मिक अकाउंट को देख लें जो थोड़े से नेगेटिव हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। हम किसी से भी पहली बार नहीं मिल रहे, मेजॉरिटी अकाउंट बहुत सुंदर है, कुछ एक थोड़े से भारी है, उनको कंटिन्यूड नहीं रखना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इस टाइम से भी थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इस बार हमें उस एनर्जी को क्या करना है? चेंज। कौन चेंज करेगा, वो या मैं? कौन चेंज करेगा, वो या मैं? जो चेंज करेगा वो अपना भाग्य बनाएगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा भाग्य। लड़की आई घर में शादी करके आई, सबने कहा कन्या बहुत अच्छी है, सबने कहा परिवार भी बहुत अच्छा है, इस लड़की की सबसे बनती है, इस सास की भी सबसे बनती है, सिर्फ उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छे तो सारे हैं, अच्छे तो सारे हैं, इंपॉर्टेंट है इन दोनों ने बीच में कुछ अच्छा किया या नहीं करके आए हैं। और अगर नहीं भी करके आए हैं इस बार चेंज कर लें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन शादी हुई तो पंडित जी ने क्या कहा, कितने जन्म साथ साथ? सात जन्म। आजकल तो एक भी पूरा नहीं चल रहा, तो सात कैसे? उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि ये दो आत्माएं इतने क्लोज कार्मिक अकाउंट में आ रही हैं, मतलब ये सात जन्म, मतलब कई जन्म इनका आपस में क्या रहा है और क्या आगे रहेगा। तो आज का मेरा कार्मिक अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब सामने वाले से कोई भी एनर्जी आए, मेरी तरफ से कौन सी बॉल जानी है? सुबह बहू आई, पैर ही नहीं छुए, नमस्ते ही नहीं की, चली गई अपना बाहर, सारा दिन कौन सी बॉल भेजनी है? सारा दिन कौन सी बॉल भेजनी है? लड़की देखो कैसी आई। और सिर्फ लड़की को बॉल नहीं भेजते, इसके मात पिता ने कुछ नहीं सिखाया, दो बॉल उधर। मेरा बेटा देखो इसी की हर बात मानता है, चार बॉल उधर। ये कर्म है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बैठे बैठे सारा दिन में कितने बॉल फेंक देंगे, ऐसा देखा कैसे भाग्य बन रहा है। अब ये सारे बॉल भेजने से वो रिश्ता बेटर होता जाएगा, ये बेटर होता जाएगा। ये अवेयरनेस कि मैं क्या कर्म क्रिएट कर रहा हूं जिसका मुझे फल फिर क्या मिलने वाला है। उसने विश किया नहीं किया, पैर छुए नहीं छुए, उसने कुछ भी किया, मेरे पास स्टॉक में एक ही कलर है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आज सुबह से शाम तक उसको व्हाइट एनर्जी भेजी, शाम तक वो बदली हुई घर आएगी, क्योंकि आत्मा को भी तो वो वाइब्रेशन गई ना सारा दिन। लेकिन अगर मैंने शाम सारा दिन में ब्लैक भेजी, वो शाम को वापस कैसे आएगी? हाँ जी, क्या मिलेगी वापस? वापस ब्लैक मिलेगी ना। और फिर क्या होता है, डे बाय डे रिश्ता क्या ब्लैक से ब्लैकर एंड ब्लैकर एंड ब्लैकर होता जाता है। चॉइस है ब्लैक से ब्लैक की तरफ जाना है या ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाना है।
चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मुझे एक ही कलर भेजना है, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे कर्म से मेरा रिश्ता बनता है, माई चॉइस। जब हमें कार्मिक अकाउंट समझ में आ जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है, और वो है हम सब कॉम्पिटिशन में है। लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, सारा दिन हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं। जब हमें समझ में आता है मेरे कर्म मेरा भाग्य, तो जो मेरे साथ भाग्य में हो रहा है वो किसके कर्मों के अनुसार हो रहा है? मेरा। तो क्या मेरा किसी और के साथ कॉम्पिटिशन हो सकता है? सपोज दो लोग, दो आत्माएं, लेट से जुड़वा भाई, एक ही समय एक ही पेरेंट्स के पास दो आत्माएं पैदा हुई, दोनों इक्वली ऑनेस्ट, इक्वली हार्डवर्किंग, इक्वली सिंसियर, दोनों ने सेम पढ़ाई की, सेम मार्क्स मिले, सब कुछ सेम 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 सेम, दोनों डॉक्टर बन गए, दोनों ने एक ही दिन एक ही स्पेशलाइजेशन का एक ही हॉस्पिटल अलग अलग खोल दिया, क्या दोनों को सफलता सेम मिलेगी? क्या दोनों को सफलता सेम मिलेगी? सब कुछ तो सेम 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 था इनपुट फैक्टर, तो आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए? हिडन फैक्टर कौन सा है? हिडन फैक्टर कौन सा है? दोनों आत्माओं का प्रेजेंट सारा सेम है, पास्ट अलग है, फिर कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन की वजह से हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, कभी कभी एक दूसरे के प्रति नफरत भी, फिर एक दूसरे की सफलता में बाधा भी, और ये सब करने से हमारा प्रेजेंट कर्म भी कैसा हो जाता है? अगर किसी और को सफलता मिली तो हमें उसके लिए फीलिंग कैसी होनी चाहिए? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि दूसरे की सफलता को देखकर आजकल अंदर से कौन सी बॉल क्रिएट होती है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, क्योंकि ये हमारा कर्म बन रहा है। एक समय था दूसरे के दुख में दुख होता था, फिर एक समय आया दूसरे का दुख उसका, हम नहीं इंटरफेयर करते, एक समय आ गया दूसरे के सुख में दुख होता है। ये कलयुग की अति है, ये कलयुग की अति। दूसरे की सफलता पर क्या होना चाहिए? दूसरे की सफलता पर यहां पर कैसी थॉट क्रिएट होनी चाहिए? वो आत्मा कुछ करके आई है जिसकी वजह से वो उसको मिल रहा है। हम दूसरों की सफलता पे बहुत क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, इसने ऐसा क्या किया जिसके लिए इसको इतना मिला? दो बच्चे, उनका कल एग्जाम है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है। कल क्या होता है, जो बच्चा आज खेल रहा था वो फर्स्ट आ जाता है, और जो बच्चा आज पूरा दिन पढ़ रहा था वो फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं और हम कहते हैं ऐसा कैसे? क्योंकि हम उस एक दिन को देख रहे हैं सिर्फ। जो बच्चा आज खेल रहा है वो 364 डेज पढ़ कर आया है, और जो बच्चा आज सुबह से रात तक पढ़ रहा था वो 364 डेज खेल रहा था। आत्मा की यात्रा हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक दिन को देखते हैं और कहते हैं इसको सफलता क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? कई बार हमारे को ऐसा होता है कि सफलता मिलते 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 फिर रुक जाती है, ऐसे लगता है मिली 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 और फिर रुकी, कोई बाधा आ रही है, मतलब मेरा कोई पास्ट का कर्म रास्ते में अटक रहा है। तो मुझे उस पर नहीं फोकस करना, मुझे सिर्फ क्या फोकस करना है, मेरा अब हर कर्म कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दूसरों से अगर ईर्ष्या की, दूसरों की सफलता पर यहां क्वेश्चन मार्क मिला, तो प्रेजेंट कर्मा कौन सा क्रिएट कर दिया, और जैसे ही प्रेजेंट कर्मा ये क्रिएट कर दिया तो अपने ही भाग्य में विघ्न वापस लिख दिया। और दूसरों से आगे जाने के लिए कोई गलत कर्म अगर कर दिया तो फिर शॉर्ट टर्म तो आगे चले भी जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म अपने भाग्य में क्या लिख दिया? आज कलयुग के एंड पे पहुंचते पहुंचते हम जितना हर एक से इंटरैक्ट करते हैं, हम सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। अगर हमें एक सुंदर भाग्य लिखना है तो
तो अपने फायदे से पहले सामने वाले के फायदे का सोचना है। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। कौन सी एनर्जी गई, कौन सी एनर्जी गई? जब ये एनर्जी जाएगी तो ये एनर्जी वापस आएगी। सपोज सिंपल, आज शाम को आप एक दुकान में जाते हैं, आपको फ्रूट खरीदना है। आपने जाकर दुकानदार से कहा 1 किलो एप्पल दो। उसने कहा सर आज फ्रेश नहीं है, आप सामने वाली दुकान से ले लो। क्या ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी? मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? एक बेकरी वाले के पास गए, उसने कहा सर आज ताजी नहीं है ब्रेड, आप सामने वाली दुकान से ले लो। मिलते हैं ऐसे लोग? उस दिन उन्होंने क्या किया, अपने फायदे का नहीं सोचा। किसके फायदे का सोचा? सामने। अपने से पहले दूसरे का फायदा सोचना। अब हम घर जाएंगे, हम उनको क्या भेजेंगे? हम घर जाएंगे उनको क्या भेजेंगे? देंगे या नहीं देंगे? 5 व्हाइट थॉट्स क्रिएट करेंगे कम से कम। अब ये बात हम सिर्फ अपने तक रखेंगे या कुछ लोगों से शेयर करेंगे? शेयर करेंगे। अगर हमने 5 लोगों से शेयर की, वो 5 लोग उनको क्या भेजेंगे? वो भी व्हाइट बॉल भेजेंगे। उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, नहीं कमाए ना, उस दिन उसका नुकसान हो गया, उसने पैसे नहीं कमाए। लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? उस दिन उसने दुआएं कमाई। एक और दुकानदार हो सकता था जो आपको 3 अच्छे एप्पल, 2 सड़े हुए एप्पल नीचे दे के घर भेज देता। उस दिन वो घर जाके क्या कमाता? उस दिन वो क्या कमाता? उस दिन वो दुआओं का ऑपोजिट कमाता। अब जिसने उस दिन दुआएं कमाई, उस दिन उसने पैसे नहीं कमाए, उसके अगले दिन से हम कौन से दुकानदार के पास जाते? उसी के पास जाते। और जिन 5 लोगों को हम बताते, वो भी किसके पास जाते? उसी के पास जाते। वो 5 औरों को बताते, वो भी किसके पास जाते? उसी के पास जाते। जिसने उस दिन दुआएं कमाई, वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएगा उसके बाद। ये लॉ है, कोई भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। धन कमाना बहुत इजी है, आज के समय पे धन कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ये 100% गारंटी है। कोई भी करके देख सकता है इसको, एनीवन कैन डू इट। आज क्या हुआ, हम सिर्फ अपने बारे में सोचने के कारण कई बार दूसरे का नुकसान करके दुआओं का ऑपोजिट कमा देते हैं। हो जाता है या नहीं हो जाता? ऐसा होता है या नहीं होता? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं आज हमारे पास इस हॉल में? सबसे नोबल प्रोफेशन दुआएं कमाने के लिए, इजी इजी प्रोफेशन। कलेक्टर साहब, इजी प्रोफेशन दुआएं कमाना। आपका इतना सा सहयोग दिया, दुआएं कमाई। इतना सा कुछ किया, दुआएं कमाई। ये वो प्रोफेशंस हैं जिनको पुण्य करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जॉब करना है, उसमें ही पुण्य मिलता जाएगा। लेकिन उसको करते करते छोटी सी अगर गफलत करती तो पुण्य का ऑपोजिट मिलता जाएगा। छोटी सी भी कर दी, छोटी। इतने हाई रिस्क बिजनेस में हम हैं, अगर हम ऐसी एनर्जी दें तो हमारा प्रोफेशन वो है कि हम सारा दिन सिर्फ दुआएं कमाते जाएंगे। लेकिन उसको करते करते अगर हमने थोड़ा सा उसकी बजाय अपना सोचना शुरू कर दिया तो हम दुआओं का ऑपोजिट कमाना शुरू कर देंगे। ये रिस्की है। आज वो समय में हम चल रहे हैं जो हम कहते हैं हॉस्पिटल का टारगेट, बैलेंस शीट हॉस्पिटल की सोचते सोचते अपनी बैलेंस शीट में हम क्या लिख देते हैं वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा बैलेंस शीट हॉस्पिटल का प्रॉफिट होना चाहिए नेट ईयर एंड पे। हॉस्पिटल का प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ माय लॉस, ये बहुत भारी पड़ेगा हमें। कोई हमारे पास आया, विश्वास के साथ आया, समर्पित किया उसने अपने आप को हमारे सामने, चेक
कर्म कैसा है ये? विश्वास और समर्पण कोई सामने से लेकर आया और हमने अपने और अपने हॉस्पिटल या अपने कोई भी जो काम है उसके लिए सामने वाले को थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया तो कौन सा कर्म बना? कौन सा कर्म बना? ऐसे कर्म से डरना पड़ता है, ऐसे कर्म से डरना है। कोई विश्वास लेकर आया और हमने अपने फायदे के लिए उसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट, एक एक्स्ट्रा स्कैन, एक एक्स्ट्रा दिन हॉस्पिटल में रोक लिया। वो घर जा सकता था ना आज, लेकिन मेरा हॉस्पिटल 4000 और कमा लेगा अगर वो एक दिन रुकेगा। तो मतलब मैंने सामने वाले का ना सोचकर अपना सोचा, तो वो याद रखना, वो सेब वाले को क्या मिलता है फिर? वही हमें मिलता है फिर। ये एनर्जी जब हम घर कमा कर लेकर जाएंगे, इस धन में किसी का दर्द लगा हुआ होता है। दर्द से कमाया हुआ धन घर पर क्या लेकर जाएगा? तो वो हमारे परिवार को क्या देगा? सिर्फ धन नहीं देगा ना, धन भी तो एक एनर्जी लेकर आया है अपने साथ। तो धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, लेकिन धन के साथ साथ क्या कमाना है? दुआओं के साथ धन कमाना है। दुआओं की ऑपोजिट वाला धन नहीं चाहिए, ऐसा धन घर में स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धन से हम अन्न खरीद कर अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो उस अन्न में किसी और आत्मा का दर्द लगा हुआ होगा ना, तो वो हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए अच्छी एनर्जी तो नहीं है, अच्छा तो नहीं होगा। ऐसा धन घर आ गया, सामान घर में सारे आ गए, लेकिन सुख नहीं आया, तो ऐसे धन का क्या करेंगे फिर हम? तो सारा दिन में कर्म करते हुए अटेंशन अपने फायदे से पहले, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा। एंड दैट डजंट मीन कि अब मेरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मैंने दूसरे का फायदा किया, मेरा फायदा उसमें समाया हुआ है। आज हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, सारा दिन मीडिया हमें इतना कुछ दिखा रहा है कि ये दवाई दे दो, हम आपको एक आईपैड दे देंगे, हम आपको एक हॉलिडे दे देंगे। हम किसी की जीवन के साथ डील कर रहे हैं और एक आईपैड के बारे में सोचेंगे उस टाइम पे? दुआएं कमाएंगे, इतनी दुआएं मिलेंगी तो हम रोज नया आईपैड खरीद लेंगे, दुआएं में इतनी ताकत है। मजा भी तो आएगा उस आईपैड को खरीदने में, बजाय कि इस तरह से लेने में क्या मजा आता है फिर उसको। तो अगर हमारी अपने आप के साथ अंदर वो इंटेग्रिटी है, आसपास लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं देखना उसको। क्या होता है, कुछ लोग कुछ शुरू करते हैं, करते 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 सब लोग या मेजॉरिटी लोग वो करना शुरू कर देते हैं, और थोड़े टाइम के बाद हम उसको ही नॉर्मल कह देते हैं। आज बिजनेसमैन, बिजनेस की भाषा में लोग बहुत इजीली कह देते हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बोलते हैं ना ऐसा, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। अब जैसे ही अपने आप को कहा बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, नेक्स्ट लाइन अपने आप के लिए लिखना है, भाग्य में भी फिर थोड़ा बहुत तो आएगा ही 100%। वो फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन खुद लिखनी पड़ेगी अपने आप के लिए। बाकी सब क्या कर रहे हैं डजंट मैटर, मुझे क्या करना है। आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ती है, सारा जो वो कमा कर गई होती है वो नेक्स्ट जेनरेशन को देके जाती है, लेकिन अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने साथ क्या लेकर जाती है? जब हम जाते हैं ना किसी के अंतिम संस्कार के लिए, तो लोग कहते हैं खाली हाथ जाए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ना खाली हाथ आए थे तो ना खाली हाथ जाते हैं। संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, जीवन में उसको कैसे यूज किया, और जब जाएंगे तो संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर जाएंगे। 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, 1 अप्रैल को नई शीट नहीं खुलती है, क्लोजिंग बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस होता है। मैं आत्मा यहां से जो क्लोजिंग बैलेंस लेकर जाऊंगी, वो जो बच्चा पैदा होता है वो उसका ओपनिंग बैलेंस है। इसीलिए जिस क्षण बच्चा पैदा होता है पंडित जी जन्मपत्री बनाकर दे देते हैं, तो सब बच्चों की एक जैसी जन्मपत्री होनी चाहिए फिर तो।
हरेक की जन्म पत्री अलग अलग क्यों? उसी क्षण पैदा हुए बच्चों की भी जन्म पत्री अलग अलग क्यों? क्योंकि वो उनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट देते हैं फर्स्ट डे पर। ये इस आत्मा का क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसका जीवन इस ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है। अब आगे कहां लेकर जाना है, चॉइस हमारी है। तो हम इस जीवन की यात्रा में बाहर का प्रॉफिट लॉस सोचते सोचते क्या अंदर लॉस कर सकते हैं? इज इट फेयर? इज इट फेयर? सारा धन यहां छूट जाएगा, वो किए हुए कर्म साथ में चले जाएंगे। तो बाहर प्रॉफिट करना है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यहां पे लॉस। तो धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, लेकिन धन के साथ साथ क्या कमाना है? धन के साथ साथ क्या कमाना है? दुआएं। जीवन का पर्पस बना लो दुआएं कमाना। घर में बहुत सारी चीजें धन से आ सकती हैं, लेकिन घर में बहुत सारी चीजें जो धन से नहीं आ सकती हैं। क्या क्या हमारे घर धन से नहीं आ सकता है? धन से क्या क्या आ सकता है वो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खरीद भी लिया। सब कुछ जो धन से आ सकता है हमारे घर आ गया। धन से क्या क्या नहीं आ सकता? सुख नहीं आता, शांति नहीं आती, और क्या नहीं आता? हेल्थ नहीं आती। वेरी गुड। ट्रीटमेंट आ सकती है, हेल्थ नहीं आ सकती, और क्या नहीं आता? लव नहीं आता, और धन से क्या नहीं आता? नींद नहीं आती, ब्यूटीफुल। बेड आ सकता है, नींद नहीं आ सकती धन से। हाँ, और कुछ? रिश्ते, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जिन बच्चों के लिए हमने बहुत साधन देने के लिए अपने बिजनेस में छोटी छोटी गड़बड़े की, उनको हमने सारे साधन दे दिए लेकिन हमारे रिश्ते ही उनके साथ अच्छे नहीं। अब ये सारी चीजें जो धन से नहीं आ सकती, ये कैसे आ सकती है? ये दुआओं से आते हैं। तो रोज सुबह जब हम घर से निकलें, हमें ये तो क्लियर है कि हमने सारा दिन धन कैसे कमाना है, अब ये भी क्लियर हो सारा दिन मुझे दुआएं कमाकर शाम को घर लेकर आनी है, क्योंकि मेरी कमाई हुई दुआएं घर में सुख, शांति, प्यार और रिश्ते लेकर आएगी। और दुआएं कमाना धन कमाने से बहुत ज्यादा ईजी है। ईजी है? सारा दिन में विजुअलाइज करें दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सारा दिन में चलते फिरते काम करते दुआएं कमाने क्या करना होगा? हाँ जी, सिंपल बोल दे तो व्हाइट बॉल ही भेजनी है। तो परमात्मा कहते दुआएं दो तो दुआएं लो। और क्या करना होगा सारा दिन में दुआएं कमाने के लिए? थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों को सहयोग, दूसरों का फायदा। आज अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कहने की कि मेरे से ज्यादा अच्छी ये सर्जरी आपकी वो डॉक्टर कर सकता है, आप उनके पास जाओ, तो उस दिन हम 50,000 नहीं कमाएंगे जैसे वो एप्पल वाले ने नहीं कमाए, लेकिन उस दिन हम इतनी दुआएं कमाएंगे और वो दुआएं हमारे पास लाखों लेकर आएगी। वो गारंटी है, वो करके कोई भी देख सकता है अपने जीवन के अंदर। आज समाज को एक ही चीज चाहिए, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हम बेस्ट हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में, लेकिन बहुत सारे लोग बेस्ट हैं। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, बहुतों के पास है। हमारे पास वो होना चाहिए जो मेजॉरिटी छोड़ते जा रहे हैं, और वो है हमारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स। वो अगर हमने रख लिया, सब लोग हमारे पास आएंगे, हमारा किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं, उन्होंने आना ही है। तो धन सात्विक कमाना है, इसीलिए धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मतलब प्योर, डिवाइन। तो धन सात्विक, अन्न कैसा हो, क्योंकि पीस चाहिए ना यहां पे, खुशी चाहिए, तो अन्न कैसा हो हमारा? सात्विक। जैसा अन्न वैसा मन, राइट है? राइट है? जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न हमारा सात्विक हो। अगर हमने ऐसा अन्न अपने अंदर डाला जिसके अंदर गुस्सा, नफरत, दर्द की वाइब्रेशन हो, तो वो हमारे मन को शांति कैसे दे सकता है? अगर हमें यहां बांधा जाए एक हफ्ते के लिए और हमें पता हो हमें मारने वाले हैं, तो एक हफ्ता हमारे माइंड में कैसी थॉट्स चलेंगे? कैसी थॉट चलेगी?
फिर हमें ऐसे 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 करके काटा जाए तो कैसी वाइब्रेशन क्रिएट होने वाली है? वो सारी थॉट्स क्रिएट हुई, वो सारे हॉर्मोन सिक्रेट हुए, वो सारी वाइब्रेशन बनी और फिर वो डेकोरेट होके हमारी प्लेट में आ गई। तो हमें प्रोटीन्स तो मिले, लेकिन प्रोटीन्स के साथ साथ क्या मिल गया? क्या मिला? वो दर्द, वो नफरत, वो रिजेंटमेंट जो उस एनर्जी में क्रिएट हुई थी। ऐसी हेल्थ, हाउ कैन डेड एनर्जी गिव हेल्थ टू एनीबडी? हाउ कैन डेथ गिव लाइफ टू समबडी? हाउ इज इट पॉसिबल? वी नीड टू थिंक कि हम अपने अंदर क्या डालते हैं। जब हमारे घर किसी की डेथ होती है, जब तक वो डेड बॉडी घर में होती है तो उस घर में खाना नहीं बनता ना, राइट है? उस घर में खाना नहीं बनता ना जब तक डेड बॉडी घर में होती है। क्यों नहीं बनता खाना उस घर में? क्यों खाना नहीं बनता जब तक डेड बॉडी अपने ही फैमिली की होती है, वो किसी के फिर भी खाना नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता खाना जब तक डेड बॉडी घर में है तो? क्यों नहीं खाना बनता? वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, टॉक्सिन्स हैं सारे। फ्यूनरल पर गए, वापस आकर सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, फिर खाना बनता है। अपने फैमिली मेंबर की डेड बॉडी जब तक घर में है तो खाना नहीं बनता, और किसी और की डेड बॉडी का खाना बनता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? खुद हम मिनरल वाटर पीते हैं, खुद हम ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदने जाते हैं। जिसको हम खा रहे हैं उसने मिनरल वाटर पिया था? उसने ऑर्गेनिक घास खाया था? अपने अंदर क्या डालते हैं? तो फिजिकली भी अपने अंदर क्या डाला, इमोशनली भी अपने अंदर क्या डाला, स्पिरिचुअली भी अपने अंदर क्या डाला, इससे हेल्थ कैसे मिलेगी? तो अगर सात्विक मन चाहिए तो अन्न कैसा होना पड़ेगा? वो सात्विक। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी फूड। अब सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, सात्विक अन्न मतलब सात्विक मन से बनाया गया अन्न। आज हम बहुत इजीली बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी हुआ पिज्जा ऑर्डर करो, कुछ भी हुआ पैकेट वाला फूड आया, माइक्रोवेव में गया, खाना खा लिया। जब हम एक जेनरेशन पहले जाते हैं, बाहर खाना खाने का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, नहीं होता था ना। हमें फॉर ग्रांटेड कि तीन बार हमें प्यार से बना हुआ खाना मिलेगा, उसी का रिजल्ट है कि हम इमोशनली अपनी आने वाली जेनरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। हर नेक्स्ट जेनरेशन इमोशनली वीकर होती जा रही है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में सिर्फ हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमें वाइब्रेशन मिल रही है। जैसा अन्न वैसा मन। जितना हम बाहर का खाएंगे उस भोजन में कौन सी वाइब्रेशन है? एक है बाहर का रेस्टोरेंट का खाना खाना, एक है घर में जो माँ है उसके हाथ का खाना, एक है मंदिर गुरुद्वारे में जाके प्रसाद खाना। तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग, तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग हो गई। बाहर जाकर पिज्जा खाया, उसकी वाइब्रेशन क्या? उसकी वाइब्रेशन क्या है? आप खाओगे मैं कमाऊंगी, तो उस भोजन में वाइब्रेशन कौन सी गई? ये है ग्रीड, पैसे की वाइब्रेशन। जितना आज हम बाहर खा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी में रिश्ते से ऊपर पैसे हो गए हैं, क्योंकि हम पैसों की वाइब्रेशन का भोजन ज्यादा खाते हैं आज, बजाय कि अपने घर के प्यार की वाइब्रेशन का भोजन। इसलिए हमारी बुद्धि पैसों से ज्यादा माँ से कम लगी हुई है, क्योंकि खाया नहीं ना उसके हाथ का खाना उतना। हमारे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते। घर में मदर ने खाना बनाया तो उसमें वाइब्रेशन कैसी होगी? अब मंदिर गुरुद्वारे में खाना बना तो उसमें वाइब्रेशन कैसी होगी? उसमें है परमात्मा की याद की वाइब्रेशन। इज इट पॉसिबल कि हम घर में परमात्मा की याद की वाइब्रेशन से खाना बनाए? क्योंकि हर रोज तो लंगर खाने नहीं जा सकते ना, हर रोज तो प्रसाद नहीं मिलेगा मंदिर जाकर। लेकिन अगर खाना बनाते समय हमने परमात्मा को याद कर, पूजा पाठ मेडिटेशन कर, जो मंत्र करते हैं जो करते हैं वो करते हुए अगर खाना बनाया, वो खाना फिर खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाता है।
और ये प्रसाद अगर घर पर रोज सबको खिलाया तो जैसा अन्न वैसा मन, सबके मन की स्थिति बदल जाएगी उस घर के अंदर। पानी का ग्लास भी पीना है तो ऐसे ही नहीं पी लेना, 30 सेकेंड वेट करके उसको परमात्मा की शक्ति से एनर्जाइज करके कि परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन इस पानी में है, ये पानी पानी नहीं अमृत बन जाता है। मंदिर में जाते हैं अमृत इतना सा मिलता है, इतना सा ही मिलेगा, उसको हम ऐसे पीते हैं फिर ऐसे करते हैं ताकि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरे। उस पानी में और घर के पानी में फर्क क्या, उस पानी में और घर के पानी में फर्क क्या, वो पानी है और वो पानी में परमात्मा की याद है, तो अपने हर ग्लास ऑफ पानी में परमात्मा की याद क्यों नहीं डाल सकते और पूरा ग्लास ऑफ अमृत क्यों नहीं पी सकते। ये है मेडिटेशन की पावर। लेट्स डू इट एवरी डे, हर पानी का ग्लास अमृत बने, हर जो भोजन हम खाएं वो प्रसाद बने, तो मन की स्थिति कैसे हो जाएगी फिर? तो मन ऑटोमैटिकली, हर धन जो आए वो दुआओं के साथ आए, तो आपको लगता है किसी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए मेरे भाग्य में क्या, मेरा भाग्य कैसा होगा इसके बाद फिर, है ना? अन्न सात्विक, धन सात्विक, मन सात्विक, तो तन तो फिर स्वस्थ होना ही है, तो भाग्य पूछने किसके पास जाना है? और अगर पुरानी फेंकी हुई ब्लैक बॉल आ भी गई किसी दिन, तो आज मुझे आत्मा के पास उतनी ताकत है कि मैं नेचुरली व्हाइट बॉल भेज सकती हूँ। इतना थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो हम जिस चॉइस का भाग्य चाहे वैसा भाग्य लिख सकते हैं। हर रोज अगर हम आधा घंटा भी परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरे, सुबह सुबह उठकर हम टीवी ऑन कर लेते हैं आजकल, सुबह सुबह उठकर अपने अंदर क्या भरा, आत्मा की बैटरी को वीक करना है, इजीएस्ट तरीका सुबह सुबह अखबार उठा लो या टीवी ऑन कर लो, सिंपलेस्ट वे। क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग है अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है और सबसे पहली चीज क्या भर दी अंदर, जैसे ही नेगेटिव भरा उसके बाद माइंड प्योर सोचेगा कैसे है? अगर फर्स्ट हाफ एन आवर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन प्योर हो एंड अखबार और न्यूज चैनल थोड़ा सा लेट आए, पिछले 10-20 सालों में जब न्यूज चैनल 24/7 हो गए, हमारे समाज में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया। पहले एक दूरदर्शन आता था, आराम से रात को 9 बजे न्यूज देखते थे, अब तो 24 घंटा कभी भी ऑन करो फुल इंफॉर्मेशन नेगेटिव, माइंड पर असर पड़ता है इंफॉर्मेशन का। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने क्या किया, आज 9 लाख परिवार हैं आपकी तरह घर में रह रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिन की शुरुआत आधा घंटा ज्ञान लेकर शुरू करते हैं, उसके बाद 23 घंटे बाहर सब कुछ जो करना है वो करना है। तो सुबह का अखबार बदल दिया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की बजाय परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को सुबह सुबह अगर भरा, वो भरा हुआ ज्ञान सारा दिन वर्क करता है फिर अपने ऊपर। तो सात्विक मन, सात्विक अन्न, सात्विक धन, भाग्य श्रेष्ठ होना ही होना है। परमात्मा को भाग्य विधाता कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग्य लिखता है, वो भाग्य लिखने का विधान हमें सिखा देता है, इसीलिए उसको भाग्य विधाता कहा जाता है, वो विधान सिखाने वाला है, लिखने वाले हम हैं। तो परमात्मा का वो ज्ञान लें, पावर लें और अपनी चॉइस का भाग्य लिखते जाएं। परमात्मा इस सृष्टि पर सत्युग लाने के लिए आया है, ये कलयुग ज्यादा लंबा नहीं चलेगा अभी, इट जस्ट कांट गो ऑन लाइक दिस, द सोसाइटी हैज टू चेंज, ये होना है। लेकिन ये चेंज मिरेकल नहीं होगा, ये चेंज हम सबको ही लाना है। क्या आज हम एक चीज फाइनल कर सकते हैं कि हम जो धन कमाएंगे वो दूसरों की दुआओं के साथ हमारे घर आएगा? यस यस, सिंपल चेक करना है सारा दिन। आज एक बिल्डर है, एक प्रॉमिस करता है कि 2 साल में आपको ये फ्लैट मिल जाएगा, 600 लोग फ्लैट बुक कर देते हैं, मतलब 600 फैमिलीज ने बुक कर दिया, 600 फैमिलीज मतलब 2500 लोग ऑन एन एवरेज,
2500 लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया, शायद लोन भी ले लिया, और उनको यह बताया गया कि 2 साल में यह घर मिलेगा। बिल्डर ने 2 साल की बजाय 3 साल लगा दिए हैं। वो 2500 लोग 1 साल जो रंग की बॉल भेजने वाले हैं, बिकॉज फॉर समबडी दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। उन्होंने जो लोन लिया है और उनको वो मकान नहीं मिला, तो उनका हर दिन कितने दर्द में बीत रहा है। इतना दर्द कमाया और कुछ करोड़ प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट किधर लेकर जाएगी? लेकिन अगर उस बिल्डर ने 2 साल प्रॉमिस किया और 1 साल 11 महीने में दे दिया, तो उसने जो पुण्य कमाना है उससे वो बहुत सारे और टाउनशिप्स क्रिएट कर देगा। ये इक्वेशन फाइनल करके रखनी है कि अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है। जीवन का लक्ष्य दुआएं कमानी है, और सामने से चाहे कोई भी कलर की बॉल आए, हमारे पास कौन सा स्टॉक है? पक्का? थोड़ी बहुत जो ब्लैक बची थी इसी हॉल में, लेके नहीं जानी हमने आज यहां से बाहर, ब्लॉक करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। परमात्मा आया है हमें ज्ञान देने, शक्ति देने, भाग्य बनाने की कला सिखाने। उसको हम कैसे करें अपने जीवन में, उसको कहते हैं राजयोग, मेडिटेशन। मेडिटेशन मींस परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन, ताकि उसकी नॉलेज और पावर को हम जीवन के हर कर्म में लगा सकते हैं। जो आपको इनविटेशन कार्ड मिला है इस प्रोग्राम का, उसके पीछे की साइड पर उस राजयोग शिविर की डिटेल्स दी हैं, जो कल से सेंटर पर शुरू होगा। 5 दिन का प्रोग्राम। हम शुरू में मंजू बहन से मिले, तो मंजू बहन जो खास बिलासपुर से आई हैं हमें वो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कराने के लिए, कि परमात्मा की पावर को हम अपनी हर सोच में, हर अपने कर्म में, अपने भोजन में, अपने पानी में, अपने बिजनेस में, हर जगह उस पावर को यूज करें। वो यूज करने से हमारा भाग्य कैसा बनेगा? तो कल से सेंटर पर 7:30 से 8:30 या 7:30 से 8:30, दोनों में से कोई भी एक टाइम हम चूज करके, 5 घंटे का समय है, 5 दिन 1 घंटा रोज सिर्फ। वो 1 घंटा 5 दिन निकालने से हम परमात्मा की शक्ति को चैनलाइज करने की विधि सीख लेंगे। उसके बाद हम जीवन में किसी भी सीन के लिए नहीं कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि हर सीन मेरी चॉइस की क्रिएट होगी। उतना समय थोड़ा सा निकालना है। 5 घंटे निकालने के लिए रेडी? 5 घंटे निकालने के लिए रेडी? 1-1 घंटा निकालना है सिर्फ 5 दिन। 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है। कैसे हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करें? तो वो टाइम जो आपके कार्ड पे लिखा है, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करके हमें 5 दिन सेंटर पर आकर वो मेडिटेशन सीखना है। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अभी व्हाइट बॉल भेजते हैं। सिट बैक कंफर्टेबल। आज हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम जब इस हॉल से उठेंगे, हम बिल्कुल साइलेंस में, लाइट ऑन रहने देना और म्यूजिक सॉफ्ट रखिएगा, हम यहाँ से बाहर साइलेंस में चलेंगे। यहाँ से घर तक 15 मिनट का रास्ता हम साइलेंस में चलेंगे, बिल्कुल मौन में, जैसे एंजल्स चलते हैं। और ये 15 मिनट हम अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसमें हमें एनर्जी को चेंज करना है, कोई ऐसी आत्मा है जिसके लिए मुझे अपने कलर ऑफ एनर्जी जो बॉल में भेज रही हूँ उसको बदलना है, कोई मेरे काम के तरीके में ऐसा है कुछ जिससे मेरा फायदा लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है। अपनी बैलेंस शीट हमने अगले 15 मिनट साइलेंस में चेक करने हैं। सिट बैक कंफर्टेबल। अपने आप को देखें। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति,
आई द बीइंग, मैं आत्मा। एक लंबी यात्रा पर हो, अनेक कॉस्ट्यूम लिए, अनेक आत्माओं के इंटरैक्शन में आए, अनेक कार्मिक अकाउंट बने, हिसाब किताब बनते गए, मेजॉरिटी हिसाब किताब बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ एक को मुझे आज चेंज करना है। लेकर आए किसी एक आत्मा को अपने सामने, जिनके साथ के रिश्ते को मुझे आज बदलना है। वो जो मेरे साथ कर रहे हैं, वो जो एनर्जी मुझे भेज रहे हैं, वो मेरे ही कर्म का रिटर्न है। आज से ये कार्मिक अकाउंट चेंज, वो चाहे कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, मेरी तरफ से सिर्फ ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस, सिर्फ वाइट वाइट और वाइट। दुआएं देना और दुआएं कमाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, आत्मा की बैलेंस शीट में सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट है। ये चॉइस मेरी है। सात्विक धन, सात्विक अन्न और सात्विक मन, ये मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाता है। सबको सुख देना, ये मेरे जीवन का मंत्र है। अटेंशन सिर्फ अपने आप पर, सामने से कुछ भी आए, मुझे क्या भेजना है, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। परमात्मा का ज्ञान और शक्ति मुझे श्रेष्ठ भाग्य लिखने का विधान सिखाती है। अपने बैलेंस शीट को चेक करते हुए, कहां मुझे छोटा छोटा चेंज लाना है, अपनी चेकिंग करते हुए अब हम धीरे धीरे यहां से उठते जाएंगे। एकदम साइलेंस में उठेंगे। जो पुरानी बातों को हमने पकड़ के रखा था, आज से डिलीट। क्षमा मेरे लिए आज से नेचुरल है, क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को क्षमा करती हूँ। जो पकड़ कर रखा था, आज मेरे साथ बाहर नहीं जाएगा। कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड। धीरे धीरे उठते जाएंगे, बिल्कुल एंजल्स की तरह, इसी साइलेंस में, इसी वाइब्रेशन को लेकर हम घर जाएंगे। किसी से अगर हमारी बातचीत बंद है, आज जाकर हम उनको फोन करके बात करेंगे। हम अपनी तरफ से उस कार्मिक अकाउंट को चेंज करेंगे।
मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। हर भोजन परमात्मा की याद में बनाएंगे, जो खाएंगे जो पिएंगे वो प्रसाद बन जाएगा। हर कार्य एक मिनट साइलेंस से शुरू एक मिनट साइलेंस से खत्म करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है और कर्म में सफलता मिलती है।